चलो बोलो बोलो फर्स्ट बोल बेटा जैसे आपने बोला पेंट एक्वा आगे बेटा पेंट एक्वा की पेंटा एक्वा पेंटा पेंटा एक्वा अच्छा बोलो आई विश्नल जब लिखती तो बेटा इसको देखते क्या बेटी क्रोडर में किसको देखते हो इसको लिखना ना किसको वाई ट्राई ट्राई बेटा बात का टेट्रा आपको कभी भी आई विश्नल में शामिल नहीं करना अल्फा बेटी क्रोडर में क्या कोई बात नहीं पेंटा एक्वा आगे बेटा नाइट्रो नाइट्रोसिल गुरु बात कर रहे हैं अच्छा इसका चार्ज कितना निकाला गुरु आपने प्लस टू निकाला लड़की लड़का कह रहे प्लस टू निकाला सर शुरू बात कर रहे हैं तुम्हारा कितना है दोस्त प्लस टू निकाला कि नहीं निकाला क्या निकाला प्लस टू तुम्हारा क्या पीछे वाले भैया प्लस टू है ना आपका प्लस टू दीदी बात करें सरासर बोला अब दीदी बात कर नोट करके याद रखो इसलिए कुछ स्पेशल केस है एनो को दीदी बात के अपने क्या बोला है बेटा बात करें न्यूट्रल लिगेंड बताइए बताएं लेकिन दीदी बात करें एनो का न्यूट्रल लिगेंड होता है बिल्कुल जीरो होता है चार्ज लेकिन जब भी बेटा बात करें एनो दीदी बात करें किसके साथ आता है आयरन के साथ आता है आयरन के साथ कभी अगर एनो आगे गुरु बात करें तो इसका चार्ज होता है बेटा बात करें प्लस क्या होता है गुरु बात करें प्लस ये याद रखना आयरन वाले कंपाउंड में नाइट्रो एनो का चार्ज क्या लेना प्लस में लेना हमेशा जिसको बोलते बेटा नाइट्रोसाइलियम यम लगेगा क्या लगेगा गुरु बात करें तो बेटा बात करें इसीलिए तो लिखवाया था स्पेशल केस है अगर क्वेश्चन तुमने पहले नहीं किया ना तो हम गलत करके आ जाएंगे ठीक है अब एनसीईआरटी भी उसको जीरो मानती है लेकिन जब भी गुरु बात करें एनो किसके साथ आता है आयरन के साथ आता है मतलब नीचे वाला केस देख रहा कुछ यहाँ भी ये कह रहा है इसका मतलब गुरु बात करें यहाँ भी एनो किसमें आएगा प्लस वन में यहाँ भी किसमें है प्लस वन में बाकी हर जगह किसमें उठाओ तो नोट करके लिख लो बेटा बात करें कि एनो जब भी आयरन के साथ आएगा उसका चार्ज क्या लेना बेटा प्लस वन लेना है और आप अब इस केस में उसको अपन क्या बोलेंगे नाइट्रोसिली बोलेंगे नाइट्रोसाइलियम क्या बोलोगे दोस्त यम जुड़ जाएगा क्योंकि अपन को पता है जिसके ऊपर प्लस होता है उसके ऊपर यम जुड़ते हैं जुड़ते लास्ट में सफिक्स तो नाइट्रोसाइलियम अब बोलो जरा अब सही बोलोगे बोलो पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइलियम बहुत अच्छी नाइट्रो साइलियम फेरम की दीदी फेरेट दीदी बात कर रहे फेरम आगे बोलो फेरम की फेरेट फेरम जल्दी बोलो क्या दीदी बात करो फर्स्ट बिल्कुल क्योंकि जरा देखो इसका चार्ज जीरो इसका प्लस वन इसका भी माइनस टू तो माइनस टू को एक प्लस वन तो कैसे मिल गया तो ये बोले तो प्लस चाहिए मतलब इसका चार्ज क्या बेटा यहाँ पे प्लस वन है एकदम सही तो फेरम फर्स्ट बोला चाहोगी छोटी दीदी नहीं चलो तुम बोलो चाहोगी चलो दीदी तब तक ये निकालो बात निकाल दीदी फटाफट अच्छा ये कह रही है लड़की मुझे ऑक्सीजन निकालना नहीं है दीदी बहुत टफ था क्या इसमें एक साइनाइड तो कितना मैडम माइनस वन छह का दीदी बात कर माइनस फोर का पांच का माइनस पांच होगा तो ये बेटा माइनस पांच हुआ बोलो क्यों आपको एनो का पहले बता दिया कि प्लस वन दो एनए का दीदी बात कर प्लस टू अब ये देखो मैडम जितना दीदी माइनस की प्लस चाहिए आपने देखा वीडियो बात कर माइनस पांच को कैंसिल करना मुझे तो प्लस पांच चाहिए प्लस पांच दो तुम्हें सोडियम में दे दिया एक तुम्हें तीन तो प्लस आ गए ना और कितने प्लस की चीज दो चाहिए तो बोले अब दो कौन देगा यही देगा किसी से बात है दीदी बात करें यार दो ऊपर कर रहा है इतना प्लस उतना माइनस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके क्या निकालो बेटे बोलो सोडियम पेंटा साइनो या साइनाइड जो भी दीदी आप कदर कर बताओ क्या लिख दें पेंटा साइनो नाइट्रोसाइलियम फेरेट सेकंड आ रही है कितना सही दीदी बात करें केस बस हो गया काम अपना थर्ड दीदी बात कर कॉपर फेरो साइनाइड इतना बोला कि इसका यूज कहां करते पूरी बात कर सेल मेंब्रेन आर्टिफिशियल मेंब्रेन बना रहे हैं ना चलो पूरी बात किसके नाम कोई बोलना चाहेगा तो बोलो दीदी पीछे वाले को बोलो इसका एडिशन नहीं यदि कौन इस पब्लिशर से निकाल दें बोलो इसके ऑफिस स्टेट क्या निकाली आपने प्लस फोर तुम कर करेंगे बैठी बैठी अगर तुम अभी निकाल देंगे
इसका यदि बात कर माइनस छह है, एक कॉपर का यदि बात कर प्लस टू होता है, दो कॉपर का यदि बात करें प्लस चार होगा, समझ में आ रहा है? क्या बोला था डी ब्लॉक का अगर कोई ऑक्सीस्टेट याद है तभी बोलो क्या हमेशा याद रखने के बाद क्या प्लस टू दीदी याद रखा, एक का प्लस टू दो का दीदी कितना आएगा प्लस चार। एग्जैक्ट मैंने अगर आप खुद सोचते कि इसका प्लस फोर कैसे आ सकता है, आया था कि दो तो कंपाउंड ही पड़ा है, या तो प्लस टू वाला या प्लस थ्री वाला, प्लस थ्री बुरे बात कर नहीं समझ में आया, प्लस फोर वाला तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो कैसे काम होता। आपने देखा बुरे बात कर प्लस फोर इसका हो गया, बुरे बात करें माइनस सिक्स इसका है, तो और कितना चाहिए तो प्लस टू चाहिए, बात करिए कौन देगा प्लस टू देगा, सीधी सी बात है, वो तो अपनी धुन में चल रहा है, समझ पाए सुनी किसी की सुनना नहीं चाह रहा, बताओ क्या बोले इसका सर कॉपर, ये तो कॉपर साइनो साइनाइडो साइनो जैसी भीड़ खत्म होती बोला हम भी बंद कर दिया, तो कैरेट क्या गुड दीदी करो जल्दी कर दो जैसे कार्बन वाला कौन सा है समझ रहे बेटे बात कर कौन सा है बात कर सीओ कौन सा बात कर सीओ आ रहा है यार कार्बन में साइलेंट्स आखिर इन दोनों भी अगर देखा जाए बोले तो सबसे ज्यादा है बुढ़िया सीओ कौन है बेटे बात कर सीओ उसके बाद कौन सा बेटे बात कर सीएन आ रहा है यार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर नाइट्रोजन के बाद यदि बात करता है ऑक्सीजन का किसका आता है ऑक्सीजन इसका मतलब बुढ़े बात करें इसके बाद कौन आएगा बेटे बात करें एनओ ठीक है और ऑक्सीजन के बाद यदि आता है कौन बेटे बात करें हैलोजन तो ये बस चार एलिमेंट याद रख लो ताकि तुम्हें हमेशा दिखी काम है कभी आपके पास एक से ज्यादा लिक्विड देता हो बोलता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है तो पूरे कार्बन वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो उसके बाद नाइट्रोजन वाले छांटो देन ऑक्सीजन वाले देन हैलोजन वाले क्लियर है मैं आपको सिर्फ चार पांच लिखवा रहा हूं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड ये सब स्ट्रॉन्ग है पर में भी अगर प्रायोरिटी दी जाए तो सबसे पहले CO देन CN देन NO2 वाले बात करें समझ पा रहे देन बेटा बात करें कौन आएगा EN इतनी डाई एन आ रहा किया देन बोलो कौन आएगा बेटा बात करें हमारे पास PB पाइरीडीन आखिर या पाइरीमिडीन बोलो देन बेटा बात करें अमोनिया और उसके बाद कौन आएगा EDTA क्या है गुरु बात कर इसमें समझ में आ रहा है गुरु बात कर डोनर कौन है याद है नाइट्रोजन डोनर कौन है इससे बेटे चार ऑक्सीजन याद आ रहा कुछ और दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रायोरिटी बढ़ रही दो नाइट्रोजन एक्सेप्ट तो बेटे बस ऑक्सीजन ज्यादा इसलिए गुरु इसकी प्रायोरिटी कम यहां पे केवल नाइट्रोजन ही है तो इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड में मानते हां है ना तो मैंने कहा दो नाइट्रोजन चार ऑक्सीजन तो ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है ना ऑक्सीजन नंबर में ज्यादा है इसलिए उसकी बात कर रहे थे नाइट्रोजन कम पड़ गए इसलिए बेटे बात कर रहे इसको है सभी बेटे बात का स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है लेकिन अमोनिया की प्रायोरिटी ज्यादा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईडीटी ठीक है ईडीटी को पूरा लिखे तो ईडीटी माइनस फोर लिखते हैं हमेशा चार ऑप्शन पाइरिडीन में बड़ी बात की याद है केवल नाइट्रोजन डोनर है कौन है बेटे बात कर नाइट्रोजन याद है लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है कभी वीक की तरह काम करता है ठीक है तो जैसे वाटर वाटर भी तो फिर ऑक्सीजन आ रहा है तो वाटर बुढ़े बात पर ये क्या है इनकी प्रायोरिटी इनसे कम है इसलिए मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए केवल कितने लिखवाए पूरे बात की तरफ देखो छह सात ही लिखवाए सात है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दो सीओ देन साइनाइड देन गुड़िया नाइट्रो देन बी2 इथिलीन डाइएन एनएस दोनों नाइट्रोजन है गुड़िया देन गुड़िया बात करें पिरिडीन नाइट्रोजन है देन गुड़िया बात करें अमोनिया एक नाइट्रोजन देन गुड़िया बात करें दो अमोनिया दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन वाला अरे ईडीटी है तो अगर तुम्हें ये ऑर्डर याद नहीं रहता ना याद नहीं है तब भी गुड़िया बात करें कोई जरूरत नहीं है तभी पूरे बात के सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इनको बस याद रखो इनके बाद बाकी सब क्या बेटा बात करें वीक लिगेंड कोई पूछे बेटा बात करें ऑक्सीलेटिव वीक लिगेंड मेनली वाटर मेनली वीक लिगेंड है क्लोरीन वीक लिगेंड है फ्लोरीन वीक लिगेंड है आयमीन वीक लिगेंड है
समझ पा रहे? तो जो भी दीदी बात का सीओ सीओ को छोड़ करके एनओ लिखवाए वो भी लिगेंड है, अरे नहीं आ रहे? तो स्ट्रोंग फ्री लिगेंड में कौन कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे। और स्ट्रोंग फ्री लिगेंड क्या होते हैं बेटा बात करें? वो लिगेंड होते हैं दीदी बात करें, तो इसमें कौन आएगा? रेस्ट ऑफ, अरे नहीं आ रहे? जो भी बाकी बचे हुए बेटा बात करें वो सब किस में आ जाएंगे? आएगा। और ये गुरु क्या रखते हैं? इनके अंदर क्या होता है दीदी बात कर, हाँ कि ना? इनके अंदर क्या है? इनका फंक्शन क्या है? कुछ भी नहीं। ये पावर ऑफ दीदी बात, ये पैरिंग इफेक्ट करवाती नहीं है, तो इनका कोई फंक्शन है ही नहीं। समझा? इनको कोई फंक्शन है क्या? इसका उल्टा बोल रहे थे एडवाइस वर्ड से बुरी बात कर, नॉट हैविंग पावर ऑफ दीदी बात, मतलब पैरिंग इफेक्ट। सीधी सी बात है, आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बुरी बात सर करवाती नहीं, तो क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती एक काम? मैंने बोला ये दीदी बात का इंसान काम करता है, और बोला कि ये इंसान काम नहीं करता, तो भैया वो काम नहीं करता तो जबरदस्ती क्या को बोलो? मतलब सीधी सी बात, ये इंसान काम करता है, इसका मतलब उसके लिए कुछ नहीं बोला, मतलब वो काम नहीं करता है। छोटी सी बात है, इसको नोट बोलते लिख रहा हूँ बोलो बात कर क्या पर है बात करें हमारे पास बर्नर पार्टीशन बर्नर कोऑर्डिनेशन या आप चाहो तो कोऑर्डिनेट थ्योरी भी बोल सकते हो, ठीक है? तो वर्ड में कोऑर्डिनेशन बेटा बात करें क्या थ्योरी पक्का याद रहेगा दोस्त? इतनी छोटी सी तो क्वेश्चन है, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की बात करें, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नर। कौन से देश हुई है? अल्फ्रेड बर्नर। इन्हें पूरे बात कर क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सेंट्रल मेटल होती है बेटा, इसके पास दो बैलेंसी होती है। पूरे बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल होता है, इसके पास कितनी बैलेंस होती है? बात करें दो बैलेंस होती है। एक कंपाउंड उठाए पूरे बात कर आपने, जैसे उठाए पूरे बात कर अपन लीजिए सी ओ एन एच थ्री का पूरे बात कर समझ पा रहे होल सिक्स आ रहे हैं, और बेटा बात करें सी एल थ्री लगा दिया है द सेंट्रल मेटल ऑफ बेटा बात करें एनी कंडीशन कंपाउंड विद हैविंग टू बैलेंसी, अरे नहीं यार? तो टू बैलेंसी रखता है सेंट्रल मेटल ऑफ एनी कंपाउंड, नहीं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है कि ना? कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कंडीशन कंपाउंड, जल्दी बोलो बेटा बात कर, हैविंग टू बैलेंसी, अरे नहीं यार बेटा बात कर? टू बैलेंसी बात कर, टू बैलेंसीज जो होती है बेटा बात कर वो कौन कौन सी होती है बेटा बात कर? जो दो बैलेंसीज हैं बेटा बात कर वो हमारे पास कौन सी है? वो है बेटा बात करिए, इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी। बस पूरी इतनी सी बात है, वर्नर का कांसेप्ट। अब इसमें अपन बेटा बात कर सबसे पहले लिखना चाहे फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं क्या? प्राइमरी बैलेंसी। इसी रीति अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी बैलेंसी। इसको अपन पूरे बोलते हैं क्या? आयनिक बैलेंस। क्या बोलते हैं बात करें? इसको भी अपन बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल बैलेंस। क्या बोलते हैं बात करें? मतलब मुख्य पूरे बात करें संयोजकता, आयनिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। क्लियर है बेटू? तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्साइड से यौगिक में जो उसकी धातु होती है, धातु के पास बेटा दो संयोजकताएं होती है। पहली पूरे बात करें प्राथमिक संयोजकता होती है, जिसको अपन आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, जिसको अपन पूरे बात करें क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब पूरे बात करें क्या? मुख्य संयोजकता, प्रिंसिपल बैलेंसी। आ रही है? जो सेकंड होती है बात करें उसको अपन क्या बोलते हैं बात करें? तो सेकंड पूरे बात करें बैलेंसी। अरे नहीं यार, या दीदी बोलते हैं अपन इसको बेटा एक्सेसरी, सहायक। प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल की जो सराउंडिंग होती है वो सहायक कहलाते हैं। ऐसे को बोल सकते हैं ऑक्सिलरी। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी। तो सेकेंडरी बैलेंस ही बोलो, या बेटा बात क्या बोल सकते हैं? नॉन आयनिक। क्या बोल सकते हो? ये अगर आयनिक है तो ये क्या है? नॉन आयनिक बैलेंस, ठीक है? अब वो एक्सिलरी मैक्सिलरी ऑक्सिलरी मैक्सिलरी समझाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है? तो बोलो ये दोस्त हमारे पास बैलेंस ही होती है। इन दो बैलेंसिंग की बात करें, इनको पॉइंट बनाने के लिए लिखना है कि ये क्या है, ये क्या है।
देख लो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ प्राइमरी बैलेंस शीट की बात करें हमेशा क्या होती है इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेट। अगर कोई मुझसे एक बार एक शब्द में डेफिनेशन पूछे कि किसी कंडीशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल की प्राइमरी बैलेंस शीट प्रिंसिपल बैलेंस शीट आयनिक बैलेंस शीट क्या होती है तो मैं कहूंगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाती है उसकी प्राइमरी बैलेंस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेंट संख्या ऑक्सी स्टेट और बेटा बात करें सेंट्रल मेटल क्या बोलूं बात करें सेंट्रल मेटल इज अ प्राइमरी बैलेंस शीट और प्रिंसिपल बैलेंस शीट और आयनिक बैलेंस शीट। अब ऑक्सी स्टेट क्या रहेगी प्लस ही तो रहेगी समझ में आ रही है। जब कि बात करें कोई मुझसे पूछे सेकेंडरी बैलेंस क्या होती है तो क्या लिखी बात करें द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंडरी बैलेंस क्या होती है कोई पूछे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन गुड़े बात करें हाँ कि ना विच इज फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड गुड़े बात करें लिगेंड आया दोस्तों आया तो आपको पता है बात करें लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो नंबर है वो क्या कहलाता है सेकेंडरी बैलेंस ही कहलाती है। क्या कहलाती है सेकेंडरी बैलेंस ही। इतना समझ में आ रहा है कि यार सेकेंडरी बैलेंस ही क्या होती है पूरे बात करें किसी कंडीशन कंपाउंड में लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर क्या कहलाता है सेकेंडरी बैलेंस। बात करें छोटी सी बात है आपने देखा उनकी बात क्या प्राइमरी बैलेंस शीट जैसे अपने अभी तक निकाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का चार्ज निकाला प्लस टू माइनस टू बुरी बात है माइनस टू भी निकाला अपनी प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐसे निकाले कि मतलब बुरी बात करिए क्या होती है आयनिक होती क्या होती बेटी बात करें लेकिन उनकी बात करें बॉन्ड का नंबर आयनिक थोड़ी है तो इसको कोई चार्ज आ रहा है क्या नहीं दो बॉन्ड बन रहा है तीन बॉन्ड बन रहा है चार बन रहे पांच बन रहे इसको क्या बोलते हैं नॉन आयनिक क्या बोलते हैं इसमें तुम्हें डायरेक्शन दिख रही थी बॉन्ड की दे रही है दीदी बात कर लीगेंड तो कहाँ जा रहा है सेंट्रल मेटल जा रहा है इसका मतलब ये कैसा होता है डायरेक्शन कैसा होता है डायरेक्शन पक्का डायरेक्शन फुल होता है डायरेक्शन मतलब डायरेक्शनल होता है कैसा होता है डायरेक्शनल होता है सेकेंडरी बैलेंस तो इसका मतलब प्राइमरी बैलेंस क्या रहेगी बताओ ऑक्सी स्टेट का कोई डायरेक्शन होती है क्या नहीं होती मतलब कैसा होता है डायरेक्शन बेटा बात कर समझ पाओ लेस लेस मतलब दिशा भी है इसकी कोई दिशा नहीं होती प्राइमरी बैलेंस की जबकि सेकेंडरी बैलेंस की डायरेक्शन होती है वो कहां होती है लिगेंड टू सेंट्रल मेटल। ये गुरु बात करें अगर चार्ज है प्लस टू प्लस थ्री इस प्लस टू को बैलेंस किससे किया था अपने नेगेटिव लिगेंड से आ रहा है अपन को जितना चार्ज प्लस का उतना माइनस को तभी न्यूट्रल हो पाएगा कंपाउंड मतलब गुरु बात करें अपन क्या बोल सकते हैं प्राइमरी बैलेंस इज अ आयनिक बैलेंस सो इट सैटिस्फाई व्हाई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड आ रहा है यार क्योंकि मेटल का चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसलिए मतलब किससे सैटिस्फाई होगी बेटा बात करें तो अपन क्या लिखेंगे बात करें प्राइमरी बैलेंस इज अ प्राइमरी बैलेंस इज अ आयनिक बैलेंस सो इट सैटिस्फाई बाय नेगेटिव चार्ज लिगेंड बोला स्टार्ट करो तो बोलो जब बोल क्यों नहीं रहे हो तो अपन क्या लिखेंगे बेटा बात करें प्राइमरी बैलेंस इट इज अ आयनिक बैलेंस और क्या लिखेंगे कि एक आयनिक बैलेंस ही है हां सो यदि बात नहीं भी करते इट इज सैटिस्फाई बाय हां कि ना इसको कि सैटिस्फाई नेगेटिव चार्ज इट सैटिस्फाइड बाय किसके तो सैटिस्फाई होने की बात कर नेगेटिव की चार्जड लिगेंड एग्जैक्ट सो ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड के द्वारा क्या होगी बेटा बात करें सैटिस्फाई है क्लियर। अब अपन इसमें गुरु क्या लिखे हैं बेटा बात करें ये तो गुरु बात करें किससे सैटिस्फाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाएगा आपने देखा गुरु बात करें कल अपने हाइड्रोजन लिया था आदि दी NO लिया NO+ लिया था नाइट्रोसाइडियम आयरन के साथ मैंने क्या बोला NO+ होता है तो बुरे बात क्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे बुरे बात करें नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो इतना समझ में आ रहा है तो न्यूट्रल की बात करें लिगेंड हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे बुरे नेगेटिव हो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे लिगेंड क्या होता है जो लोन पे डोनेट करते हैं अगर लोन पे डोनेट करेंगे तो क्या कहोगे दीदी बात किसको अरे लुईस बेस बोलोगे लेकिन उसके बाद करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना सकता है नेगेटिव चार्ज लिगेंड बना सकता है Cl नेगेटिव पूरे कौन बना सकता है हाइड्रोजन ये नाइट्रोसाइडियम वो कौन बन सकता है वाटर और एमीन अरे लिया है न्यूट्रल नहीं लिया तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें ये किसके द्वारा सैटिस्फाई होगा बुढ़े बात करें बुढ़े बात करें बताओ भाई न्यूट्रल बुढ़े बात करें समझ पा रहे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज क्या बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल लिख तो दिया न्यूट्रल न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा तो बुरी बात करें सबके द्वारा क्या होगा बेटा ये सैटिस्फाई हो गया मतलब बुरी बात करें मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो किस किस के द्वारा बन रहे नेक्स्ट पॉइंट में आप बात करें अपन क्या लिखना चाह रहे हैं ये बुरी बात करें हमेशा प्राइमरी बैलेंस को जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
उसमें बुरे बात को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी बैलेंस की बेटा बात करें ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, मतलब बिंदु कृत रेखा के द्वारा इसको क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या करेंगे बेटा बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी रिप्रेजेंटेड बाय बुरे बात करें डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन मतलब बुरे बात के बिंदु कृत रेखा के द्वारा क्या करेंगे उसको रिप्रेजेंट करो। क्लियर है ना? और इसको बोलो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन बेटा बात का सॉलिड लाइन आ रही है, तो बोलो अपन लिख सकते हैं बेटा बात के इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। क्या बोलोगे इसको, ये सॉलिड लाइन बनेगी मेरे बेटा बात का, तो बोले बात कर रहे हैं सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन ये बोले बात कर रहे होता है। बस इतने से बता दो बोले ये है बर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इतने के लिए इनको दे दिया गया नोबेल प्राइज। क्या दिया गया नोबेल प्राइज, ये हल्का बोलो कंफर्म थोड़ी ना बता दीजिए बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज मतलब जानते हो कितना बड़ा प्राइज मिला है ठीक है ना। तो बोले इनके केवल क्या बताया था, आज हमसे कोई पूछा उससे ज्यादा बता, हम तो हाइब्रिडेशन भी बता देंगे ज्योमेट्री बता देंगे यार क्लियर, हमें दीदी एक और तक मिल जाए ठीक है। लेकिन आज क्या दीदी यार तो हमने सबने बता दिया ना पहले, तो सबसे पहले इसने दीदी बात डिस्कवर किया था इसलिए इनको दिया, इनने इतना बताया कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें बात की जो सेंट्रल मेटल होती है उसकी दो बैलेंस होती है, एक तो प्राइमरी बैलेंस ही एक सेकेंडरी बैलेंस। जो प्राइमरी बैलेंस ही होती है वो बुरे बात कर आयनिक होती है, और दीदी बात कर उसको बोलते हैं प्राइमरी बैलेंस ही प्रिंसिपल बैलेंस, जो सेकेंडरी होती है वो नॉन आयनिक होती है। अच्छा आप कोई अक्सर पूछे दीदी ये तो बात होगी दीदी बात कर थ्योरी थ्योरी की समझने वाली बात करो, समझने वाली दीदी प्राइमरी बैलेंस ही क्या होती है प्रिंसिपल बैलेंस क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होती है सेंट्रल मेटल की उसकी प्राइमरी बैलेंस है, और जितने बुरे बात करें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगी ना वो उसकी सेकेंडरी बैलेंस है। क्या बेटा बात करें प्राइमरी बैलेंस को दीदी हमेशा अपन क्या करेंगे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किससे करेंगे सॉलिड लाइन। ये दीदी बात करें आयनिक चार्ज होता है तो उसको बुरे बात करें अपन किससे सैटिस्फाई करेंगे नेगेटिव चार्ज डिवेंट से, और दीदी बात करें वो नॉन आयनिक है इसकी बुरे बात करें न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिवेंट के द्वारा सैटिस्फाई होता है। ये पूरे बात का मैंने बोला है कि हमेशा देखो ये डायरेक्शन लेस है और वो डायरेक्शन में होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नंबर पूरे बात ठीक है ठीक है। अब एक पॉइंट तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपने देखा पूरे अभी जैसे आपके कंपाउंड बताया था बताओ जरा दोस्त एन आई सी ओ का दीदी बात कर बोल को लिया था आपने लिख लिया अगर आपको याद आ रहा है ठीक है। इसमें निकल का चार्ज क्या निकला था आपने जीरो, इसका जीरो इसका भी जीरो था मतलब दीदी ऑक्सीजन स्टेट में आगे जीरो, तो अपन क्या लिख सकते प्राइमरी बैलेंस की बेटा बात करें भी जीरो। ये क्या हो सकती है बुरे बात करें जीरो, हां क्या बुरे बात क्या लेंगे मेन नॉट भी छोड़ो ये जीरो नहीं हो सकती क्यों बुरे बात करें चार सीओ है चार सीओ दीदी बात को तो निकल को हर एक दीदी बात करे क्या करेगा सीओ क्या करेगा एक क्वार्टर बॉन्ड देगा नहीं देगा, दूसरा सीओ क्या करेगा दूसरा क्वार्टर बॉन्ड देगा नहीं देगा, तीसरा दीदी सीओ क्या करेगा तीसरा क्वार्टर बॉन्ड देगा नहीं देगा, और चौथा सीओ क्या करेगा चौथा क्वार्टर बॉन्ड देगा, तो चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो सेकेंडरी बैलेंस कितनी है चार, सेकेंडरी बैलेंस चार है इसकी जबकि प्राइमरी बैलेंस क्या है चार जीरो है, तो अपन क्या बोल सकते हैं प्राइमरी बैलेंस जीरो भी हो सकती है लेकिन सेकेंडरी बैलेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें दीदी बात का सेंट्रल मेटल होगा और कम से कम एक लिगेंड तो होगा, एक बॉन्ड तो बनाएगा वो, तो अगर एक बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेशन अगर कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती है सेंट्रल मेटल और कम से कम एक लीगेंड, अगर एक लीगेंड है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो मतलब बात के सेकेंडरी बैलेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, तो अपन कह सकते बुरे बात का इट कैन नेवर भी जीरो, हाँ कि ना ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हाँ कि ना लेकिन उस बेटा बात का नेवर भी जीरो ये कभी भी जीरो कैन नॉट भी जीरो दीदी बात का नेवर भी जीरो ये जीरो नहीं होगी, जीरो होगी ही नहीं मतलब गुड कितने अच्छे जल्दी छाप लो फटाफट NH3 का होल 6 आरेंजमेंट बात करें Cl3 अगर इस कंपाउंड को दीदी को नाइट पिशन हम लिखना चाहते तो लिख सकते बेटू और क्या लिखोगे बेटू बात करें हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कोबाल्ट तो बोलोगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव पर है तो क्या बोलोगे हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड किस कंपाउंड की कभी क्वेश्चन दिया जाए किस कंपाउंड की नोबेल प्राइज मिला था मुझे इनको, तो ये पूरे बात का फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड था अल्फ्रेड नोबेल का, किसका था दीदी अल्फ्रेड नोबेल का पहला कंपाउंड था बेटा ठीक है ना। पूरा नाम दीदी इसका लिख लेना कभी करना है तो क्या लिखोगे बेटा दीदी बात करने से ये आगे दी तो पूरी लिखने की जरूरत नहीं फटाफट है हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 थर्ड क्लोराइड
आ रहा था उसकी नहीं आ रहा ठीक है इसका दीदी स्ट्रक्चर बनाओ जरा अगर मैं लिखना चाहें मैं लिखूं क्या खूब आए लिखा दीदी बताओ कितने गुणे बात करें हमारे पास यहाँ पे लिगेंड है सिक्स दीदी अगर सोची तरह इसकी हाइब्रिडाइजेशन में बताऊँ आपको तो आपने देखा ये तो केवल बैलेंसिंग के पूरे मैंने कंपाउंड यही ना पोटेशियम कंपाउंड इसमें कितने लिगेंड है छह मतलब छह लिगेंड जब पूरे बात करके अरेंज हो रहे थे कुछ याद आ रहा है कुछ मैडम SF6 सल्फर के साथ यदि यहाँ पे फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो कोवलेंट बना रहा था यार और यहाँ पे बात की कोवलेंट ये क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट क्लियर है कि नहीं तो पूरे बात करें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो कैसा आ रहा था यार ऑक्टाहीड्रल क्लियर है तो पूरे यहाँ भी कैसा आएगा ऑक्टाहीड्रल ही आएगा क्लियर है इसका मतलब बेटा बात करें क्या करो बोलो बात करें अरेंज कर दो एक दीदी बात करें अमोनिया आएगा कि नहीं आएगा अमीन तुमने बात करिए अपने एक लोन पर देगा जी बेटा नहीं देगा बोलो एक कॉर्नर से दे दिया दूसरे कॉर्नर से कौन दे रहा होगा बेटा बात को बोलो दूसरा अमीन दे रहा होगा दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा बेटू बात करें क्या लोन पे किसका लोन पे दीदी नाइट्रोजन का NH3 क्योंकि NH3 में अमोनी तो देता है बोलो बात करें तीसरा आ रहा क्या है कौन दे रहा है बेटा बात करें नाइट्रोजन NH एक कहां से आ जाएगा गुरु बात करें ऊपर से क्या जाएगा दोस्त NH3 का ये क्या है लोन पेयर ये भी नहीं है बॉन्ड की फॉर्म में और ये गुरु कौन दे रहा है बेटा बात करें मतलब कहां प्लेन के नीचे से तो कितने मिलेगा इसको बेटा बात करें बताओ गुरु इसको 6 मिलेगा अरे इसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर आएगा अगर ऑक्टेट स्ट्रक्चर है तो ये बात का हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी तरह काम करता है सिग्मा बॉन्ड गुरु बताओ जरा कितने सिग्मा बॉन्ड बने 1 पढ़ना है इसलिए अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की क्या नहीं की ना अभी गुरु आपको पता चलेगा बेटा कि कैसे SP3D2 आएगा पता जरूर है या तो गुरु SP3D2 आएगा या क्या आएगा D2 SP3 आएगा इसका कहना क्या है तो अपन देखते हुए तो इसको अपन तो थोड़ा सिंपल तरीके से बना देते हैं जैसा अल्फ्रेड बर्नल ने बनाया था वो दीदी ऐसे बनाया था हमने आपने क्या बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देख लिया ना आपने छह अमोनिया छह कोऑर्डिनेट बना रहे थे बना रहे थे बेटा बात करें अरे बना रहे थे ना पूरे बात करें कौन था यहाँ पे CO सेंट्रल बॉन्ड कौन थी CO तो CO यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा पूरे बात करें कितने अमोनिया से छह पूरे बात करें ठीक है इसका लोन पेयर ऐसी गुरु बात करें ठीक है ऊपर से समझ एक गुरु कहां से बेटा बात कर पहले कुछ जोड़ना नहीं कि किस फॉर्म में ठीक है वो स्ट्रक्चर आपको अंग पता चल जाएगा पर याद रहेगा ऑक्टेहेड्रल रहेगा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा चाहे स्पीड D2 हो चाहे D2 हो दीदी आपको पता है बॉन्ड तो 6 यार है बेटा तो वो बात के लिए कंडीशन है बिल्कुल NH3 एक नॉन का दे रहा है इसमें अब बड़ी बात क्या आपने क्या बोला था सेकेंडरी जो बैलेंस होती है वो क्या होती है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कोई आपसे दूसरा पूछे दीदी बात करें कि बताओ इस कंपाउंड की सेकेंडरी बैलेंस क्या है सेकेंडरी बैलेंस क्या बताया था तुमने सेकेंडरी बैलेंस बताया था दीदी बात करें क्या बोला था मुझे बात कर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड टू बात कर बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल तो दीदी बात कर लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कितने गुणे बात कर बॉन्ड बन रहे थे बताओ 6 1 2 3 4 5 6 आ रहे क्लियर तो पूरी बात कर 6 हमारे पास बॉन्ड बने मतलब इसकी सेकेंडरी बैलेंस क्या है 6 है अब कोई पूछा प्राइमरी बैलेंस प्रिंसिपल बैलेंस यार ये ऑक्सीजन स्टेट निकालो इसकी क्या आ रही है इसकी 0 इसकी माइनस 3 तो माइनस 3 इसकी तो इसकी प्लस 3 तो नेट चार्ज 0 आएगा मतलब प्राइमरी बैलेंस ही क्या है समझ में आ रहा है अब गोलू बात करें यहाँ पर अगर न्यूट्रल लिगेंड नहीं होता क्लोरीन होता तो क्या वो भी लिगेंड नहीं देता इसको बॉन्ड बॉन्ड बनाता ना हाँ। अगर पॉजिटिव लिगेंड बात करें तो वो भी तो बेटा बात कर बॉन्ड बनाता कि नहीं बनाता ये बताता हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि सेटिस्फाई का मतलब क्या है सेटिस्फाई का मतलब कौन कौन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ सेंट्रल मेटल के साथ इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बेटा न्यूट्रल है अगले वाले क्वेश्चन में आपको न्यूट्रल भी देंगे नेगेटिव देंगे पॉजिटिव भी देंगे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो
जो भी पूरे बात करें सेंटर मेंटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उन सबको हम क्या काउंट करेंगे बेटा, सेकेंडरी बैलेंसी में काउंट करेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इतनी सी बात थी। अब प्राइमरी बैलेंस कोई पूछा ऑक्सी स्टेट निकाल लो, क्लियर आ रहा है? आपने क्या बोला था बेटा, बात करें बर्नर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी कोई बेटा बात करें सेकेंडरी बैलेंस को फुलफिल करता है तो उसको तो गुरु किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, सॉलिड लाइन से। तो बताओ अब ये बनाने की जरूरत नहीं, जब बर्नर का स्ट्रक्चर बनाओ ना तो ये नहीं बनाना है। क्लियर है कि नहीं आ रहा? बस मैंने आपको समझाने के बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है हमेशा के बिल्कुल बात करें सॉलिड लाइन बना देना है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या बता रहे हैं बेटा, बात करें आप अच्छे से जानते हो कि सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बेटा बात करें लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर है? दूसरी पूरी बात करें आपकी प्राइमरी बैलेंस क्या थी, प्राइमरी बैलेंस को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो बात करें डॉटेड लाइन से। आपको पता है बात करें चार्ज को बैलेंस किसने किया, इसके प्लस की चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा है, माइनस। अरे यार आपने हमेशा बताया था प्लस बैलेंस माइनस करेगा, मतलब पूरे बात करें चाहे वो अंदर होता लिगेंड के फॉर्म में होता चाहे बाहर होता आयन के फॉर्म में, तो प्राइमरी बैलेंस को मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो भी बैलेंस कर रहा होगा मतलब वो नेगेटिव भी तो होगा, जो प्राइम मतलब पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रहा होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव को दीदी बात करें किससे रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, कितने क्लोरीन की पूरी बात करें तीन क्लोरीन को डॉटेड लाइन से बना दो, एक क्लोरीन जहां भी तुम्हें जगह मिलती वहां बना दो, दूसरे क्लोरीन पूरी बात करें और ये तीसरा क्लोरीन आ रहे हैं। ये दीदी स्ट्रक्चर बन गया बेटा कौन सा, ये नहीं पूरी बात करें वर्नर कोऑर्डिनेशन क्लोरीन या वर्नर कोऑर्डिनेशन पूरे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो जो कंपाउंड ऐसा था CN3 का होता है CN3 उसको बर्नर के अगर तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो स्ट्रक्चर ये है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर पूरी बात कर सको पूछे दूसरा कंपाउंड बना, इसको तो मैंने नोट कर ही लिया था। ठीक है सर। हां बेटा सर एक क्लोरीन लगा एक बार बता दो, एक बार बताते हैं ना, इससे अच्छा क्वेश्चन दिखा दे, वही तो कोशिश कर रहा है। देखो जरा अपन क्या लिखा बेटा, बात कर रहे हैं बोलो क्रोमियम लिखा कि लिखा बेटा, लिखा बोलो बात कर H2 का बोलो बात कर बोन प्लस लिखा नहीं लिखा, लिखा बेटा बात करें Cl2 लिखा नहीं लिखा, इतना समझ में आ रहा है पूरे बात करें। और क्या लिख दिया बेटा बात करें हाइड्रोजीनियम, क्या लिखा दोस्त NH2 NH3 पूरे बात करें याद है कुछ, मोनोडेंटेट दीदी बात करें कौन सा लिगेंड था कैटायनिक लिगेंड याद आ रहा है हाइड्रोजीनियम। ठीक है आ रहा है, कैटायनिक लिगेंड था वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको दीदी 1 कर दो इसको 3 कर दो, क्लियर है कि नहीं, ताकि यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन आपको सब कुछ समझा दे। तो दीदी बात करें हाँ और बाहर लगा दो बोलो बात करें क्या एक साइनाइड, क्लियर है कि नहीं, या एक क्लोरीन लगा दो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा, एक क्लोरीन। ये क्वेश्चन अगर इसका इंग्लिश नाम देना चाहो तो क्या बोलोगे, एक्वा ए से स्टार्ट हो रहा है, हाँ क्लोराइड हो सी से स्टार्ट हो रहा है, दीदी बात करें हाँ कि ना CN3 कर दो ऐसे आपको ब्रैकेट लगा दो CN3 कर दो नहीं लगा दो मत करो, हाइड्रोजीनियम एच से स्टार्ट हो रहा है बात करें तो पहले ए आएगा देन सी आएगा देन डी एच आएगा। अगर इसका एक्विशन नाम लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बोलो बात करें क्लोराइड जैसे आप चाहें क्लोराइड बोलो बात करें देन हाइड्रोजीनियम हां कि ना बोलो, अब आएगा कौन क्रोमियम, ये आ गया तो प्लस है, अब प्लस कैसे दिख रहा है क्लोराइड क्या कोई दिक्कत आ रही है बात करें। ठीक है अब आपने देखा बेटा बात करें क्लोराइड है ना बेटा अंदर है, आपने क्या बोला बुरी बात करें ये अंदर इस तरफ तो प्लस का इस तरफ माइनस का लगा रखा था, अरे किया कि नहीं किया बुरी बात करें मुझे छः चाहिए तीन इसको दो कर लो बढ़िया। ठीक है ना ताकि इसकी कोऑर्डिनेशन बैलेंस कितनी हो जाए बेटी बात करें छः हो जाए, क्योंकि या तो चार वाली आती है या छः वाली आती है आपकी टॉपिक में, ऐसा नहीं कि पांच चार का नहीं बना सकते, बना सकते हो लेकिन बुढ़े बात करें होता क्या बेटा बात करें दो तीन पांच और एक छह हो गया ना, हाँ ठीक है डाई एक्वा डाई बुढ़े ट्राई क्लोराइड हाइड्रोजीनियम, अब क्या बेटा बात करें क्रोमियम, क्या आएगा बेटा क्रोमियम। ठीक है क्रोमियम चार्ज क्या है बुढ़े बात करें देखो इसका जीरो इसका दीदी प्लस वन आ रहा है बुढ़े बात करें और इसका दीदी बात करें माइनस थ्री। ठीक है बुढ़े बात इसका माइनस वन टोटल दीदी माइनस कितना था चार माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर अभी कोई दीदी इसका प्लस वन है इसका चार्ज क्या है क्लियर है। क्लियर है सीधी सी बात है जो लिखा थी उसको जोड़ो, अभी तो मुझे इसका नहीं पता पर बाकी सबका तो पता है इसका चार्ज इसके ऊपर प्लस वन लगा है इसका दीदी तीन का माइनस तीन होगा, वाटर आपको पता न्यूट्रल होता है क्लोरीन का माइनस वन है तो माइनस में माइनस थ्री हो गया माइनस फोर, माइनस फोर को दीदी बैलेंस करें तो मुझे जीरो करने के लिए प्लस फोर चाहिए उसमें से प्लस वन तो इसने दे दिया तो और कितने चाहिए प्लस थ्री चाहिए वो इससे मान लो आप आ रहा मैडम की नहीं आ आप क्या बोलोगे क्रोमियम थर्ड और बाहर का है क्या क्लोराइड। कोई मुझसे पूछे इसका प्राइमरी बैलेंस क्या है मैं क्या बोलूंगा ऑक्सी स्टेट पूछे ना प्लस 3 प्लस 3 कोई मुझसे कह रहा है बोलूंगा तो सेकेंडरी बैलेंस क्या है मैं पूछे कोऑर्डिनेशन अगर पूछेगा आप कोऑर्डिनेशन को बताओ जरा दोस्त
क्या H2S को नहीं दे रहा है कोवलेंट बॉन्ड? कितने H2 दे रहे हैं? 2 H2 कितने दे रहे हैं? 3 क्लोरीन. कितने दे रहे हैं? 1 नाइट्रोजन. आ रहे हैं क्या बेटा? बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आप बनाओगे यहां दोस्त क्रोमियम का, तो बेटे बात कर 2 तो कौन आ रहा बेटा? H आ रहे हैं H2 आ रहे हैं आगे H2 पूरे एक ऑप्शन अपना दिया. दूसरा बेटा बात करें क्या आ गया? H2. दूसरे बेटे बात करें न्यूट्रल लिगेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर. तीसरा बेटा बात करें क्या देखा अपने? CL कौन दे रहा है? तो बोले CL नेगेटिव दे रहा है कि नहीं? CL नेगेटिव. क्योंकि पूरा सी रखेगा तो नेचर मिक्स करता नहीं, सी नेगेटिव ही है. तो भी बात करें तो इसका मतलब ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नेगेटिव की बात करें पर नेगेटिव लिखते कहां है? पर आप चाहो तो लिखो ना वीडियो बात करें कि एक सीएल. तो वीडियो बात करिए क्या है? दूसरा सीएल. अरे क्लियर है बेटा? जो दे रहा है नेगेटिव, ये कौन सा बेटा बात कर रहा है? तीसरा सीएल जो कैसा है? नेगेटिव है. और वीडियो बात कर 3 क्लोरीन के बाद एक कौन बचा? हाइड्रोजन. तो वीडियो बात कर कौन दे रहा है यहां बेटा? ये एग्जैक्ट ये अपना कोऑर्डिनेट कौन दे रहा है? अरे दे रहा है कि दे रहा है? वीडियो बात कर NH2. वीडियो बात कर क्या? NH3 प्लस. तो वीडियो आपने देखा बेटा बात करें कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है मतलब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, वीडियो बात कर न्यूट्रल लिगेंड भी बनाता है, वीडियो बात कर नेगेटिव आयन भी बनाते हैं और पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं. इसको बोला था कि सेकेंडरी वैलेंसी बेटा बात करें क्या होती है? पॉजिटिव न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड क्या करके सैटिस्फाई करते हैं. इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है. पर जब मुझे बात करिए तो मैंने आपको बताया बेटा बात करें क्या सेकेंडरी वैलेंसी कांसेप्ट. लेकिन वर्नर के फॉर्म में जब लिखा जाता है वो तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो इतना पढ़ने के बाद कि भैया दीदी बात करें ये दे रहा है ये ले रहा है. बेटा बात ये क्या है? लुईस एसिड एमिनो पहले बढ़ दिया, ये लुईस बेस है, तो इसका मतलब ये दे रहा होगा लोन पेयर, ये ले रहा है. इसका मतलब कि ये बनाने की जो भी डायरेक्ट सीरीज की बात कर क्या मार दो? सॉलिड लाइन. क्या बना तुमने बात कर? सॉलिड लाइन. आ रही है जो केवल प्राइमरी वैलेंसी को पूरा कर रहा है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? बेटा बात करें सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा फुलफिल करना है वो किससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जो दीदी आयन सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं, उसको अपन सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो प्राइमरी वैलेंसी को सैटिस्फाई कर रहे हैं वो कोवलेंट लाइन से. अब आपने देखा बोलू बात करें ये लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी तो बना नहीं रहा, मतलब उसने कोवलेंट बॉन्ड तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड तो बना नहीं, केवल प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसके लिए चार्ज कोई बैलेंस कर रहा है. याद है प्रस्तुति को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोले ये केवल क्या कर रहा है? प्राइमरी बैलेंस को बैलेंस कर रहा है. इसका मतलब इसको किससे बनाओगे आप? केवल डॉटेड लाइन से. तो एक क्लोरीन को बना दो डॉटेड लाइन से, लेकिन अंदर वाले 3 क्लोरीन का किस पता है तुम्हें? ये चार्ज को भी बैलेंस कर रहा है. याद आए कुछ दीदी बात कर? नहीं कर रहा है कि चार्ज को बैलेंस कर? दीदी अंदर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 थे कि नहीं थे? तो बोले बात के चार्ज प्राइमरी बैलेंस को मतलब सैटिस्फाई कर रहा था नहीं कर रहा था? अरे कर रहा था. तो बोले बात कर जो प्राइमरी बैलेंस को सैटिस्फाई कर रहा है उसको क्या मानोगे आप? डॉटेड लाइन. और जो ग्लू कोवलेंट बॉन्ड बना उसको क्या मानोगे? सॉलिड लाइन. मतलब ये सॉलिड भी बनाएगा और डॉटेड भी बनाएगा. तो समझ में आ रहा है? तो बोले बात करें क्या करें 3 क्लोरीन को? डॉटेड लाइन मतलब कोवलेंट बॉन्ड और दीदी बात करें मतलब डॉटेड सॉरी सॉलिड लाइन मतलब कोवलेंट बॉन्ड और डॉटेड लाइन मतलब प्राइमरी बैलेंस ऑक्सी स्टेट. डॉटेड लाइन मतलब कोवलेंट बॉन्ड और दीदी बात करें सॉरी डॉटेड बोला क्या हर बार? कोवलेंट दीदी बात करें मतलब सॉलिड लाइन मतलब बोले बात करें क्या बोलो? सेकेंडरी वैलेंसी. डॉटेड लाइन मतलब क्या बोलो? प्राइमरी वैलेंसी. दीदी बात करें सॉलिड लाइन मतलब सेकेंडरी वैलेंसी और डॉटेड लाइन मतलब प्राइमरी वैलेंसी. इतना समझ में आ रहा है कि यार? इसने दीदी बात कर बताओ चार्ज भी तो बैलेंस किया है. अरे किया कि नहीं किया? तो बोलू बात कर अमोनिया को क्या बोलोगे बेटा बात कर? एक तो उसने लोन पेयर दिया दीदी बात कर, अच्छी बात है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को फॉलो किया सॉलिड लाइन. और दीदी प्राइमरी वैलेंसी को भी तो बैलेंस कर रहे हो, चार्ज को भी तो बैलेंस कर रहे हो, तो क्या बोलोगे बेटा बात कर? इतना समझ में आ रहा है कि यार? मतलब पूरी बात करें जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है उसको सॉलिड लाइन से बताना है, और जो चार्ज को भी बैलेंस कर उसको किससे बताना है? क्लियर है कि नहीं? ये बाहर केवल था गुरु केवल चार्ज को बैलेंस कर रहा था, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा था, केवल किससे बताया आपने? डॉट लाइन से प्राइमरी वैलेंसी को. बाकी जो क्लोरीन थे पूरे अमोनिया थी क्या चार्ज को भी तो बैलेंस कर रहे थे? तो बेटा आपने क्या बोला जी? और बॉन्ड भी बना रहे थे. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. ये स्ट्रक्चर बनती है जो बात कर रहे किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. किसके बनते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के. चलो एक कोई कंपाउंड बोल उसको बना के दिखाते हैं आपको जल्दी फटाफट. तुम लास्ट क्वेश्चन था वो तो जो भी आपको बोलना है. अरे जल्दी बोलो क्या कहना चाह रही हो? K4 दीदी बात कर रहे हैं. हां जल्दी बोलो K4 FeCN का भी बात कर क्या? अरे बोलो ना नेगेटिव.
तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? सेंट्रल मेटल पहले तो छह होगी, छह की छह किलो न्यूक्लियोमीटर साइड को किससे बना दो? तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। टाइप को बनाता है इसको, है ना? हो गया जी। अब प्राइमरी बैलेंस को बैलेंस करो। कौन चार्ज को बैलेंस कर रहा है? चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा है? अरे पोटेशियम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्राइमरी चार्ज को तुमने बात करें किससे जोड़ दो उसको? अब बुरी बात कर, अंदर वाले छह की छह साइड किसको बैलेंस कर रहे? बात कर चार्ज को बैलेंस कर रहे छह की छह की बात है, तो इस साथ में क्या आएगा? आ रही नहीं ये आगे दूसरी बात कर बस हो गया स्ट्रक्चर नहीं आया आ गया और ये कोई पूछा नहीं जाता किसको बना के दिखाओ, कोई पूछा नहीं जाता, बस खुद मैंने आपको बता दी थी बात करके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वर्णन कर दी थी बात के स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये था, बस को कोई क्वेश्चन नहीं आता इसलिए इसमें बनवा भी नहीं रहा आपको, क्लियर है? इनको आपको छापना नहीं किसी को भी, बस बताए बेटा बात करके किस तरीके से अपन गोलू बात करेंगे, क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है? बता दे तू फोटो ले, फोटो लेना तुझे बात कर फोटो हो गया। तो देखो दीदी जब तुम एक कंपाउंड लिखते हो ना, तो एक कंपाउंड में क्या करना है, क्या क्या बात क्या आना चाहिए, एक कंपाउंड मैंने लिखा जैसे इनसे स्टार्ट करते हैं जिसके नोबेल प्राइज मिला था इनको, क्या लिखा था बेटू बात करनी है? इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे ये बुरी बात देखने की कोशिश करो, सबसे पहले कंपाउंड की बात करो आयुष नाम, पहला बुरी बात का क्वेश्चन है आयुष नाम, ठीक है? बुरी बात है आयुष नाम क्या होता है? आयुष नाम क्या होता है? एग्जांपल मोबाइल थ्री क्लोराइड। दो बेटा बात हमारे पास ए पास वाले तो एक को ही लिखते हैं, ठीक है ना? बुरी बात है वो भी बुरी दो अगर आते हैं तो एक को ही लिखते हैं, इसलिए बात में पीछे वाले को हटा देते हैं, तो अपन ने क्या बोला हेक्सामीन आगे बोलो अच्छा इसलिए बोले क्योंकि पहले लिख चुके थे, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें मतलब सेकंडरी वैलेंस क्या होती है? नंबर ऑफ पोजीशन। आपको पता है मेरी बात करें यहां पे एनएच3 में हर एक एनएच3 एक ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब मोनोडेंटेट है, एक कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मतलब छह बनेगा, तो यहां पे कितना है? 6 है, 3 है। फोर्थ नंबर पे दीदी बात कर रहा था क्या इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है वो बात? क्या ज्योमेट्री इसकी दीदी बात अपन निकाल रहे हैं 3EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दीदी बात ये तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं, इसी बात का इसको पहले पढ़ लो जरा कहीं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है बेटा बात करें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बात करो ऑफ सेंट्रल मेटल इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे बात करें जो सेंट्रल मेटल होती है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अभी आपको दिख रहा है बोलो बात करें नॉर्मल कोबाल्ट बोर्ड था तो आप कितने बोलते? 27 बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? 27 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसे पास 27 पहले उठा के देखो बोलो बात करें ऑक्सीस्टेट कितनी आ रही है? +3 का मतलब पूरे बात करें 27 थे उसमें से पूरे 3 निकाल चुका है जो +3 अभी पूरे 3 इलेक्ट्रॉन किसने लिए? -3 बता रहा है इसका चार्ज आ रहा है यार, आप सिर्फ चार्ज लगा दो मैडम, इसका 0 इसका +3 इसका -3 कुछ आप समझे? यहां पे 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 क्लोरीन 2 लेके 3 क्लोरीन लेंगे किससे? कोबाल्ट से, कोबाल्ट के जो 3 इलेक्ट्रॉन गए वो किसने लिए? 3 क्लोरीन ने लिए, तो 27 थे मेरे पास 3 निकल गए, समझ पा? पूरे बात करें तो मिले कितने? इन्हें दिए भी तो है, हाँ दिए है ना, एक अमोनिया कितने दे रहा है? 2 दे रहा है, तो मुझे 6 अमोनिया कितने दे रहा है? 6 अरे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो 6 में कितने मिलेंगे? 12। क्या करें दीदी बात करें,
प्लस करने के लिए बात करें 12, लेकिन 12 को आप ऐसा भी लिख सकते थे, 12 को आप चौक ऐसा भी लिख सकते थे, उसकी बात करें सेकेंडरी बैलेंस इनटू की कर देते कर देते सेकेंडरी बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एक तो 6 में कितने 12 यार क्लियर हो रहा है तो 27 की बात करें इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास तीन निकल गए पूरे बात करें तो कितने बचे 24 यदि बात करें 24 के बाद पूरी बात करें प्रेस लगाना कि लगाना तो मुझे मिले भी तो है यदि बात करें तो मिले कितने मुझे बेटे बात करें बॉन्ड कितने हो गए 6 6 6 12 क्लियर है मतलब 12 हो गए कितने हो गए 36 ये यदि बात करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है मुझे बात करें प्रभावी परमाणु मतलब परमाणु क्रमांक मेरा कितना था 27 आपको बताते हैं जितना किसी के एटॉमिक नंबर हो तो उसमें उतनी इलेक्ट्रॉन तो उसमें प्रोटॉन होती है अगर कि नहीं आ रहा लेकिन यदि बात करें यहां पे मुझे रियल एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए मुझे यहां पे चाहिए पूरी बात करें इफेक्टिव मतलब पूरी बात करें लेने और देने के बाद आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो आपने क्या देखा पूरी बात करें जितने थे उसमें से कितने निकल गए और कितने मिल गए उनके बाद यदि जोड़ो कितने इलेक्ट्रॉन है तो अपन पूरी बात करें अगर एक शब्द में लिखना चाहूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है तो क्या होता है बेटा बात करें टोटल नंबर ऑफ बेटा बात करें समझ पा रहे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर बताओ बेटा बात करें इन सेंट्रल मेटल हां कि नहीं किसके पास पूरी बात करें या पूरी बात ऑफ सेंट्रल मेटल हां कि नहीं इन सेंट्रल मेटल कहां पर पूरी बात करें इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां पर बेटा बात करें इन कोऑर्डिनेशन बेटा बात करें कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास यदि बात करें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होल टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हां नंबर या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा बात करें ठीक है ऑफ सेंट्रल मेटल कहां पर किसके अब सेंट्रल मेटल बेटा बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पूरी बात किसको निकालेंगे एक फार्मूला आपके पास आ गया ना कैसे निकालना है एटॉमिक नंबर कैसे निकालें इसको आपको दिखाएं एटॉमिक नंबर जो भी है पूरी बात करें उसमें से माइनस क्या करना है 3 मतलब ऑक्सीस्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंस अरे क्लियर है पूरी बात करें प्लस क्या किया हमने सेकेंडरी वैलेंस क्या किया हमने सेकेंडरी वैलेंस इनटू 2 किया है इससे भी बात करा जाएगा अगर पूरी बात करें किसी के पास एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस को फॉलो करता है इसका मतलब वो कम कम बैलेंस के होगा समझ गए किसी जैसे इसके पास कितने इतना 36 36 किसके इलेक्ट्रॉन की है इसका मतलब पूरे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो किसको फॉलो कर रहा है नोबल गैसेस को और नोबल गैसेस क्या होती है हाई स्टेबल होती है किसी और से रिएक्शन नहीं करती मतलब पूरे बात करें पहले कोबाल्ट था लेकिन अब कोबाल्ट नहीं है अभी बन चुका है इलेक्ट्रॉन तो अपन ने क्या बोला बेटे बात करें किसी का इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास एफिनिटी है या बात करें इफेक्टिव नंबर किसको फॉलो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस को देन पूरे बात करें तब हम उसको क्या करेंगे बेटे बात करें कंसीडर हाईली स्टेबल तो उसको क्या कंसीडर करोगे हाईली स्टेबल समझ पा रहे इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या द इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बेटा एनी मेटल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक या इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हां कि ना क्या बोला यदि If the electronic configuration या effective electronic configuration या effective atomic number of any central metal in any coordination compound follow configuration of beta noble gases, then it considered as a beta बात कर highly stable coordination compound. कितना समझ में आया? अगर बुढ़िया बात करें, देखो मैं क्या कह रहा हूँ? आप इसको दिल्ली बात कर जो आपको लग रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो आप बोलो. कोई रटी रटाई बातें होती नहीं है. किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यदि बात करें आप लिखो उसमें ये देखो कि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है अगर उसके यदि बात करें इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है मतलब हीलियम 10 आ रहा है मतलब निओन 18 है मतलब आर्गन 36 आ रहा है मतलब प्रोटॉन 54 आ रहा है मतलब ज़ीरो 86 आ रहा है मतलब रेडॉन अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा आ रहा है इसका मतलब वो कंपाउंड क्या करेंगे तो हाई स्टेबल कंसीडर करना समझ में आ रहा है दूसरे के कंपेयर तो क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा और यदि बात करें ये हाई स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 36 आ रहा है समझ में आ रहा है कुछ 36 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे बात करें कब पूरी बात कर देने के बाद और लेने के बाद ठीक है ना बेसर तो पूरी बात इसको लिख लो प्लीज एक लाइन में अलग करके लिख लो पहले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कि भाई मैंने तुम्हें अभी तक देखा कोई आया हो भाई प्लीज में पढ़ा हूँ और भी केमिस्ट्री एकदम अलग है दोस्तों और इसका पूरी बात कर एकदम अलग है लेकिन है वो सिस्टम है ना वैसे ये लगभग मिलता जुलता अगर ये आ जाएगा तो वो आ जाएगा तो ये आ जाएगा चलो पूरे बात कर मिटा इसको गुरु अच्छे से निकाल के देखो बेटा बात करें तो गुरु इसका आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या निकाला इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बात करो ऑफ सेंट्रल मेटल इन एनी
क्वार्टिशन कंपाउंड, किसी भी क्वार्टिशन कंपाउंड में उसके सेंट्रल मेटल के पास मुझे बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका क्या कहलाएगा इफेक्टिव मेटल नंबर, तो मुझे बात करो ना कितना आ रहा है उससे, कैसे निकाला 36 आ गया क्या एटॉमिक नंबर, ये फॉर्म लगाया होगा आपने एटॉमिक नंबर माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी इनटू 2 किया क्या, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा था 27 माइनस प्राइमरी वैलेंसी कितनी दे रखी थी 3 दे रखी थी प्लस पूरे बात का सेकेंडरी वैलेंसी इनटू 2 कर दिया आ रहा है टोटल दीदी बात करें कितना आ गया 24 प्लस 5 36 36 और ये पूरे बात में किसको फॉलो कर रहा है फॉलो फॉलो बेटा बात है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशन ऑफ नोबल गैसेस हां कि ना सुबले बात कर कंसीडर हाइज दी स्टेबल कंपाउंड अरे कि ना चलो पांचवा क्वेश्चन की बात कर पांचवी बेटा बात कर क्या निकाला इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल की बात के समझ में सब निकाल दी और मैग्नेटिक मोमेंट तुमने बात कर सबसे पहले बेटा बात कर जरा कोबाल्ट को उठा लो कोबाल्ट को देखो गुरु कैसे दिखना आपको सबसे पहले कोबाल्ट को उठाया आपने बेटा कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशन गुरु क्या है 27 देखा जैसे मैंने बेटा बात कर फर्स्ट S2 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, पूरे बात को और क्या लिखेंगे बेटू बात करें 3d, पूरे बात का सोच पाए हो 20 हो गए लेकिन गुरु पता हम भरते बाद में लेकिन प्लीज उसको लिखो अंदर ताकि तुझे याद रहे कि 3d का 4 के अंदर है पूरे बात कर 3d क्या करेंगे आप भी कैसे करोगे ऐसे करोगे क्या क्या फोर्स के बाद लिखोगे 3d को अंदर ही लिखना भरना बाद में लेकिन लिखना कहां है अंदर क्योंकि फोर्थ सेल बाहर होता है थर्ड सेल बेटा कहां होता है अंदर होता है इतना समझ में आ गया ठीक है ना अगर नहीं है तो पूछना अच्छा बुरी बात करें आपके पास कोबाल्ट था क्या कि आपके पास बुरे बात करें हमारे पास क्या था कोबाल्ट प्लस 3 था हमारे कंपाउंड में आपके पास कोबाल्ट था कि कोबाल्ट प्लस 3 था कोबाल्ट प्लस 3 था इसका मतलब बुरी बात करें हमें चाहिए कोबाल्ट प्लस 3 हमारा कोबाल्ट नहीं था जी पर कोबाल्ट दीदी आएगा कहां से कोबाल्ट प्लस 3 कोबाल्ट से तो आएगा कोबाल्ट प्लस 3 दीदी कब आएगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका होगा अरे मेरा दोस्त उसने बोला 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए निकाल दो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालते अपन आउटर मोस्ट शेल से दीदी मुझे चाहिए तो पहले तो निकले कि एस के दो आउटर मोस्ट शेल तो 4 है ना बेटा अभी तो केवल 2 निकले मुझे एक और चाहिए तो फिर किसका नंबर आएगा 3 का क्योंकि 2 इसमें से निकल चुके एक इसमें से निकल चुके इसमें ठीक है कितना समझदार है आप मतलब पूरी बात करें जो बचा है अब उसको लिख दूंगा क्या बचा है फर्स्ट क्या बचा है क्या बचा है क्या बचा है क्या बचा है 3p6 क्या बचा है 3d अच्छा 3p6 के बाद 3d6 आ रहा है पूरी बात करें 3d6 इसके बाद पूरी बात करें 4s क्या है खाली हो गया क्यों हो गया 4s 0 दीदी 4p क्या है 0 पूरे बात में 4d क्या है 0 ये तो पूरी 0 है आप इसको क्यों लिख रहे हो क्या जरूरत आ रही है मैं दीदी आपको वो ऑर्बिटल बताना चाह रहा हूँ जहाँ पे गुड़े बात करें क्या आएंगे जहाँ पे गुड़े कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन रखेगा किससे मिले हुए गुड़े बात करें अमोनिया से मिलने वाले अमोनिया से इसको पता है 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 12 इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें कहाँ रखेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसने दिए क्लोरीन ने तो वो कहाँ से निकाले आपने देखा सबसे आउटर मोस्ट शेल से पहले निकाला और उससे अगर आउटर मोस्ट शेल निकलने के बाद ही और निकाल तो फिर कहाँ से निकालो इनर मोस्ट शेल से निकालो अंदर वाले शेल से निकालो इतना याद रखना ऐसे मत करना प्लीज किया पहले 3d से किलो निकाल दो ऐसे करना मत सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं इसलिए मैंने बताया कि पहले पूरे बात करें अंदर रख लिया करो 3d को सबसे बाहर जो दिखता है ना उसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इतना समझ में आ रहा क्यों क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है तो पहले इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा फिर और चीज तो फिर इसके पास जाओ ठीक है अब पूरे बात करें आपने देखा मतलब मुझे 12 इलेक्ट्रॉन रखने हैं मुझे 6 ऑर्बिटल चाहिए कितने चाहिए दोस्त 6 ऑर्बिटल अब पूरे 6 ऑर्बिटल कहां से मिलेंगे आपने जरा देख क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा भरने को नहीं तो इसको देखने की जरूरत नहीं है क्या ये देगा ये तो भरे पड़े तो यहां तक तो ये भरे पड़े थे भैया तो इनको मत देखो आप आपको इनसे कोई देखने का मतलब वो तो मैंने आपको बताया कि कैसे इनको लिखना है इनको फेंक दो समझ सॉरी इसमें तो जगह खाली है ना इसमें तो भर सकते हैं चार मतलब गुरु जो फुल भरे हुए उनको मत लिया करो कभी ठीक है तो आगे से आप उनको इनको लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्त वो तो मैंने आपको क्यों लिख के दिखाया ताकि आपको एक लिखने का तरीका पता चले इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन कैसे लिखते हैं मतलब गुरु काम का ये है कि या तो पूरे 3d में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अभी कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पूरे बात करें 4 तो इसमें आ जाएंगे लेकिन दीदी बात करें आने की अभी चांस है क्योंकि अभी 3d कैसा है गुरु बात करके जरा भर के देखो बेटा 3d किस तरीके से है 1 2 3 4 5 3d 6 है 1 2 3 4 5 6 आ रही है पूरे बात करें ऐसा होता है तो मैं बोल बोलो बोलते क्यों नहीं तुम 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है ये कंडीशन है क्या कितने अच्छे हैं आप मतलब 4 इंपर इलेक्ट्रॉन है क्लियर दोस्त
पूरे बात करें जरा फोरस कैसा है तो खाली है पूरे बोलो बात करें फोरस जीरो दो इलेक्ट्रॉन की आराम से यहां बन जाएंगे फोर भी क्या है तो मेरी बात करें मेरी बात करें तो 4d p अच्छा p है ना ये तो 4 में कितने भर जाएंगे 6 भर जाएंगे 4 भी अभी खाली पूरे बात करें अच्छा ठीक है जीरो है 4d भी तो पूरा खाली है कितने को भर सकते पूरे बात करें 10 भर सकते आ रहे नहीं पूरी बात करें लेकिन कौन सा d यूज करोगे बेटा बात करें भरने के लिए ये दिखती बात का डिपेंड करेगा अगर पूरी बात करें हम देखें ये इलेक्ट्रॉन जब भी कोई लिगेंड आता है आपने देखा था बेटा बात करें जो अमोनिया आता है अमोनिया जब आता है पूरी बात करें तो वो क्या देता है दो इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है अरे क्या तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन मुझे एक साथ भरना है और एक साथ भरना तो मुझे एक पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए ऐसा नहीं होगा पूरी बात करें कि दो इलेक्ट्रॉन ये दे तो एक इसमें रख दो गुड़िया और एक इसमें रख दो हां ये अलग-अलग तरह के इलेक्ट्रॉन एक साथ दो आ रहे तो एक साथ ही दो दे देगा इसका मतलब मुझे क्या जरूरत है मुझे टोटल खाली ऑर्बिटल चाहिए क्या चाहिए फुल्ली यदि बात करें ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल चाहिए फुल्ली खाली ऑर्बिटल चाहिए समझ पा रहे टोटल खाली अब इसके लिए क्या करें या तो ये अच्छा चांस बनता है कि ये अनपेयर्ड को यहां पेयर्ड कर दूं इसको उठा के यहां रख दूं और इसको उठा के यहां रख दूं तो ये पूरा खाली हो जाएगा तो आराम से एक अमोनिया के अपने दो इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा दूसरा अमोनिया के दो इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा क्योंकि पूरे बात करें लोन पेयर जो भी आता है ना वो एक साथ रहते हैं लीगेंड जो पूरे बात करें दो इलेक्ट्रॉन देता है वो एक साथ ही आते हैं और एक ऑर्बिटल को पूरा खाली चाहिए पड़ता है ऐसा नहीं होगा पूरे बात करें कि जैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन था आपको ये था कि नहीं था ऐसा नहीं होगा पूरे बात करके एक अमोनिया है और वो दो इलेक्ट्रॉन दे बोले एक तुम यहाँ जाओ एक यहाँ जाओ ये नहीं होगा तो फिर कोई ऐसा कर दे बस दीदी बात कर ये दो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है कोई ऐसा कर दे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दे क्या करते बेटा बात कर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग का काम कराने का काम किसका है लिगेंड का याद आ रहा कुछ लिगेंड मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड और वीक लिगेंड ये दीदी यहाँ पर काम आता है अगर स्ट्रॉन्ग एनर्जी को क्या लिखा था स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग इतना समझ में आ रहा है मतलब अमोनिया क्या करेगा पूरी बात करें अमोनिया यहाँ पर क्या बेटा बात करें एक स्टेप बस लिख दिया करो यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा बात करें लिगेंड कौन सा लिगेंड बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पूरी बात करें प्रबल प्रबल पूरी बात करें लिगेंड क्षेत्र और प्रबल लिगेंड पूरे क्षेत्र की तरह काम कौन कर रहा है अमोनिया और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो ये क्या करेगा पूरी बात करें pairing of unpaired electron क्या करेगा बेटा बात करें pairing of unpaired electron आ रही है गुरु बात करें करो कर सकते क्या करो दीदी बात करें ultimately इतना जानते थे ना अगर दीदी ये खाली ना होता तो फिर क्या करता एक अमोनिया यहां के दो इलेक्ट्रॉन भरता दो दूसरा यहां होके भरता तीसरा यहां भरता चौथा यहां भरता पांचवा यहां भरता छठवा यहां भरता तो फिर गुरु बात करें बाहर की आउट ऑफ मोशन की फोर्स और दीदी बात करें थ्री सेल कौन है अंदर वाला इनर मोशन आ रही है तो बेटा बात करें वाइब्रेशन क्या लिखते गुरु बात करें एक ऐसे यूज हुआ तीन पी के हुए और दो डी के हुए तो जब बेटा बाहर का डी लिखते हैं इसको बोलते हैं आउटर मोशन क्या बोलते हैं बेटा बात करें ये आउटर मोशन का डी हुआ और आपको पता है थ्री डी की एनर्जी ज्यादा है कि फोर डी की फोर डी की ज्यादा ऊर्जा वाले पूरे ऑर्बिटल हम नहीं चाहते कि हम यूज करें जब हम मार्केट जाते हैं तो आपको यदि कोशिश ये रहती है कि अगर एक पेंट मुझे खरीदना है तो बेटा बात करें कंपनी का ही मुझे खरीदना है तो दो दुकान पर तीन दुकान पर ट्राई मारते आप दीदी यही आप कितने का दे रहे हैं यही दूसरे भैया कितने का दे रहे हैं आलू खरीदने कभी गए हो सब्जी खरीदने दीदी अपन दो तीन दुकान पर ट्राई मारते कि नहीं मारते कि एक जगह जाके ले लेते तुम तो भर दो जितने रुपए का देना है दे दो नहीं ऐसा कोई भी नहीं करता इसका मतलब बुढ़े बात करें जब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो बुढ़े अमोनिया भी यही सोचता है कि मुझे कम एनर्जी का ऑर्बिटल मिल जाए ताकि मेरी एनर्जी कम खर्च हो तो पहली दीदी बड़ी प्रायोरिटी क्या रहती है लो एनर्जी का डी मुझे क्योंकि आपको पता है बोलू बात करें मेरा दो ही डी है मुझे बाहर के दो डी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि बाहर के डी यूज ना करके मैं कहाँ पे यूज करूँ अंदर के अगर ये पेड़ हो जाए इलेक्ट्रॉन तो मुझे अंदर के दो डी मिल जाएंगे बोलू बात को कम एनर्जी के ऑर्बिटल से मेरा क्या हो जाएगा कम चल जाएगा मतलब ये मोर स्टेबल हो जाएगा अगर ये इस दीदी बात का पेड़ हो गए ये बेटा इसके साथ आ गया ये इसके साथ आ गया तो अंदर की डी2 मिलेगी नहीं मिलेगी तो अपन पहले भरेंगे D2 और फिर क्या भरेंगे पूरे बात करें S थ्री ये 4s का है और ये 3 का है आ रहा है आ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इस डी को अपन क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये ज्यादा एनर्जी का होता है कम स्टेबल होता है ये कम एनर्जी का होता है ज्यादा स्टेबल होता है क्लियर आ रहा है करना आपको वही छह ऑर्बिटल है एक एस का तीन डी के और दो डी के चाहे वो बाहर के डी उठाओ और चाहे अंदर के डी उठाओ पर कोशिश किसकी करेंगे अपन पहले अंदर के डी के क्यों कर रहे हैं एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा क्लियर है मैडम कि नहीं आ रहा है तो अपने क्या देखा बेटू बात करिए आपको प्लीज याद रखना एस पी थ्री डी टू डी टू एस पी थ्री ये पूरे कौन डिसाइड करेगा अगर पूरे तुम यहाँ पे क्लोरीन लेते अगर मैं एस पी जी का क्या ले लेता सी एल सिक्स क्या लेता बेटा बात करें सी एल सिक्स तो क्लोरीन क्या है बिग फील्ड लिगेंड क्या ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा पाता नहीं तो बोलो बात करें इसका मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते तो मेरा अमोनिया दीदी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देता अब मुझे मजबूरी में बोलो बात का पता है बाहर के लिए उठाने पड़ते समझ में आ रही है मतलब मेरा हाइब्रिडेशन क्या होता है बोलो बात करें एस पी थ्री डी टू बोला उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें तुम बुरे बात कर बाहर के डी यूज कर रहे हो ज्यादा एनर्जी के डी यूज कर रहे हो क्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा बुरे बात कर क्या
लेस स्टेबल, क्या होता वो? तो डी टू एस पी थ्री होगा कि एस पी थ्री डी टू होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? लिगेंड करेगा, समझ पा रहे? स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड बुरी बात कर वो लिगेंड होता है जो पैर को फ्लेक्सिबल करता है, इसलिए इनको आपको एक बार लिखना पड़ेगा, हर बार लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अब बुरे ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग करेगा मतलब बिल्कुल बात किसान इलेक्ट्रॉन को यहाँ पटक दू, और बुरे बात किसको कहाँ पटक दू, यहाँ पटक दू, आ रहा है यार बुरे बात कर। तो अब पेयरिंग के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा बुरे? अब पेयरिंग के बाद तुम्हारे पास ये कंडीशन आ चुकी होगी, डी कितना हो चुका बिल्कुल बात का, डी सिक्स ही है अभी भी, थ्री डी क्या है दोस्त? सिक्स है। थ्री डी क्या है दोस्त अभी बताओ, बुरी बात कर, थ्री डी सिक्स है, क्लियर है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ रही है, और दो डी खाली हो गई, बोलू बात कर, एक बताओ बेटा बात कर, फोर एस खाली है कि पूरा खाली है? पूरे बात कर, आ रहे दोस्त नहीं आ रहा है? बोलू बात कर, फोर एस पूरा खाली है, बताओ पूरी बात कर, फोर भी खाली है कि नहीं खाली? दूसरी बात कर, फोर भी पूरे के पूरे खाली है, आ रही है? फोर भी खाली है। क्या मुझे फोर डी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कर, तो फोर उठाएंगे नहीं, समझे? मैं आपको सिर्फ लिख दे रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात कर, इसका मतलब मैं नहीं उठाना पसंद करूँगा, ठीक है? ठीक, उठाओ देर बुरी बात कर। अब लेके आओ किसको? लिगेंड को। लिगेंड कौन था बुरी बात कर? अमोनिया। अमोनिया जब दीदी आएगा तो अमोनिया क्या करेगा? एक अमोनिया डबल एक लोड कर देगा, एक लोड मतलब यहाँ देगा, आ रहा दोस्त? नहीं आ रहा है, मतलब दो रेपू दीदी यहाँ पर आगे नहीं आएगा। दूसरा दीदी बात कर, अमोनिया क्या आएगा? यहाँ पर आगे नहीं आएगा। दूसरी दीदी बात कर, अपना पूरा का पूरा लोन पेयर कहाँ देगा? इस खाली ऑर्बिटल में देगा, दो रेपू यहाँ पर आगे नहीं आएगा। तीसरा बुरी बात कर, अमोनिया कहाँ आएगा बेटा बात कर? इसमें अपने दोनों रेपू देगा नहीं देगा, तो बोलू बात दो रेपू यहाँ भर गए नहीं भर गए। चौथा बेटा बात कर, अमोनिया बोलू कहाँ आएगा? यहाँ आगे नहीं आएगा, और अब दो इलेक्ट्रॉन दिन सौ में डालेगा नहीं डालेगा, दो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आएगा। पांचवा जी की बात करें, अमोनिया आएगा और बुरे बात के दो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा बेटे? सौ में देगा नहीं देगा, तो बुरे बात में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे नहीं करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जी की बात करें, अमोनिया तो छठवा अमोनिया था, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आगे? दो आगे नहीं आएगा। आपने दीदी बात की, दो चार छः आठ दस बारह इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने ऑर्बिटल यूज किए? कितने अच्छे हैं यहाँ बुरे बात करें, मैंने छः ऑर्बिटल यूज किए, किसके यूज किए? तीन, दो तो अंदर वाले डी के, तो क्या लिखोगे? डी बुरे बात करें, आ रहे हैं? एक दीदी है इसका, अरे आ रही है, बिल्कुल बुरे बात करें। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी बुरे आपने ऑर्बिटल यूज किए, उन ऑर्बिटल बुरे बात करें, तो क्या चुका बेटा बात करें? डी टू डी के टू एस का एक और पी जब बात करें, पर आपको पता है ये बाहर वाला है, ये फोर्थ है, वही कौन सा बेटा बात करें? ये थर्ड वाला सर। तो मुझे अंदर की दीदी बात कर डी मिल गए, तो बता बुरी बात कर, कम से कम कुछ खर्च तो बचा मेरा, कुछ एनर्जी तो बचाई होगी ना मेरे अंदर के यूज करके। मैं चाहता बुरी बात कर कि मैं जितने जल्दी जितने अंदर इलेक्ट्रॉन भरूँ उतने बुरी बात कर न्यूक्लियस के पास रहेंगे, उतना न्यूक्लियस में उनका अट्रैक्शन रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेंगे। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। अब बुरी बात में जरा देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो टोटल? 36 हो रहा है उसके, कितने हो रहे हैं? 36। बुरी बात कर, यहाँ तक तो कितने हो चुके थे? दो चार छः दस दो बारह छः अठारह, अठारह के बाद बुरी बात करें कितने? दस 28 28 28 दो
मतलब जानते हैं म्यू, म्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिफाइड स्पॉट्स प्लस वो है और मैग्नेटोन इतनी कितना जीरो आ गया क्योंकि एन यहां पे का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो थे तो मैग्नेटो मोमेंट भी कितना आ गया जीरो आ गया। पूरे बात कर दसवां क्वेश्चन कलरफुल की कलरलेस की बात है, आपने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ये होगा बेटा बात करें कलरलेस रंगहीन होगा। अगर बात करें अपने अंदर वाली डी यूज की ना बेटा बात करें तो उसको अपने बेटा बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कक्षक? दीदी बात करें समझ पा रहे योग्य तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बात करें? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूरे बात करें क्या बना रहे बेटा बात करेंगे NH3। क्या बना रहे पूरे बात करें NH3। क्या बना रहे पूरे बात करें NH3। क्या बना रहे NH3। मैं कह रहा हूं क्या बना रहे NH3। बोल क्यों नहीं रहे हो दीदी बात कर। और क्लोरीन को किससे जोड़ दो बेटा बात कर? डॉटेड बॉन्ड। डॉटेड बॉन्ड से क्यों प्राइमरी बैलेंस ही फॉलो कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा पूरे बात कर। तो ये दीदी बात कर क्या बन गया बेटा आपका? ये बन गया दीदी बात कर बर्नर। समझ में आ रहा है बर्नर स्ट्रक्चर क्या बन गया? अल्फा बर्नर स्ट्रक्चर बोल दिया। इस तरीके से इतने दीदी बात कर क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री से लेके बॉन्ड एंगल्स लेके दीदी बात कर सब कुछ आ गया। अजय जी दीदी बात कर नोट कर सी डबल बॉन्ड ओ पूरे बात कर सी हां कि ना डबल बॉन्ड ओ पूरे बात कर ओ नेगेटिव याद आ रहा है ओ नेगेटिव यही तो है C2O4। देखो दोस्तों C2O4 और एक के ऊपर क्या है -2 चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा मतलब पूरे बात करें यहां पे लोन पे डोनेटिंग स्पीशीज कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। तो पूरे बात करें एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और बेटा बात करें दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना कि नहीं बना? एक ये लोन पे डोनेट करेगा अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरे बात करें और एक ये डोनेट करेगा क्लियर है? मतलब यहां पे पूरी बात करिए आप मुझे दे दीजिए साइक्लिक कंपाउंड। देखो यहां पे कितने मेंबर की चेन बनी है 1 2 3 4 5 6 यहां से चलो घूम के ही पाओ पांच कार्बन। जब पूरे कोई साइक्लिक चेन बनती ना तो इसे कंपाउंड को बने यहां बोलते बेटा बात करें चीलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते बोले? और ये चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है ये पूरे बात करें नॉर्मल पूरे बात करें लिगेंड से नॉर्मल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। अपन बातें पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सारा क्या आ रहा है अभी पूरे बात का। देखो चलो एक ये बॉन्ड बेटा बात करें कौन सा एक दीदी बात करें ये बॉन्ड अब इसको कौन बनाएगा दीदी बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन? नेगेटिव वाला। ये दीदी किसके ऑक्सीजन है? कार्बन। किसके है? कार्बन। कार्बन कार्बन को जोड़ लिया C2। क्या बन गया दोस्त? C2O4-2 बना कि नहीं बना? ये भी देखो पांच मेंबर की रिंग बनी दोस्तों। अगले बेटे बात के दो बॉन्ड और बने पूरी बात कर क्योंकि तो एक ऑक्सीजन और आएगा। ऐसे ऑक्सीजन अपने तीन लिए थे कितने लिए थे बेटा? तीन लिए थे। वो मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे सिंपल क्वेश्चन दोगे और आपने मुझे टफ क्वेश्चन दे दिया। मैंने आपसे कहा था कि आपको डिपेंड करता आप सेलेक्ट कर लो और आपने मुझे ऐसे ही क्वेश्चन दिया तो मैं क्या करूँ इसमें? ऐसे तो ऐसे थोड़ी कोई करता है। मैं आपसे मांग रहा हूँ क्वेश्चन दे तो मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मतलब सिंपल दो। अरे नहीं यार अपन ने क्या बोला नेगेटिव और नेगेटिव ठीक है इसका मतलब मुझे बात करें ये कार्बन कार्बन जुड़ा था डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो आगे भी ऑक्सीडेट नहीं आ गया ये तो आ गया ऑक्सीडेट मतलब इस तरीके से भी आपने देखा कि यार वो कितने कॉटन बॉन्ड है 6 मिलिक नहीं मिल रहे अरे 6 मिलिक नहीं मिल रहे तो पूरे 6 कौन दे रहा है ऑक्सीजन से दे रहा ऑक्सीजन नेगेटिव एक ऑक्सीडेट के दो ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीडेट के दो ऑक्सीजन तीसरे ऑक्सीडेट के दो ऑक्सीजन सीधी बात कर आ रहा नहीं आ रहा तो बताओ उनके नंबर ऑफ कॉटन बॉन्ड कितने आ रहे 6 आ रहे ना बेटे तो सेकेंडरी बैलेंस की क्या बोलोगे आप यही बोलोगे ना। अब नेक्स्ट टाइम दीदी बात करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब पूरी बात करें इस कॉम्प्लेक्स में आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आयरन बोलते हैं तो बोलते 26 लेकिन मेरे कॉम्प्लेक्स में आयरन के पास कितने हैं तो आपको पता है बेटा आयरन से कुछ निकल भी गया तो कुछ आयरन भी मिले भी आ रहा है दोस्तों। आपने गुरु क्या देखा एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 26 प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बेटा बात करें 3 और गुरु बात करें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है आ रहा है दोस्त मतलब कितना आ रहा है 35
हरियाणा की क्लियर है। 35 की बात कर, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वीडियो बात लोअर गैस से इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये लेस स्टेबल है क्या बेटा? बात कर लेस स्टेबल, इसमें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। अब वो वाला बेटा बात कर गया था, मोस्ट स्टेबल था, 36 लेकर गया था। चलो बेटा बात कर, बाद में पूछूंगा यदि बात कर कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, तब आपको यही देखना पड़ेगा। 36-35 वाला चल सब क्लियर है। अच्छा हाइब्रिड चीज की बात में देखें, अब 6 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब पूरे आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बेटा? बात करें 12। एक एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक बॉन्ड मतलब 2, तो बेटा बात करें 2। हां 12 तो भरने के लिए कुछ और बेटा चाहिए होगा। अब 6 दीदी बात करें तो या तो थोड़ा बूढ़े बात करें D2S3 ये और तो S3D2 बूढ़े बात में 6 ये लेने तो ही पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन दोनों में से कोई आना, लेकिन कौन सा उठाएं दीदी बात करें? इसके लिए बूढ़े बात में फॉलो करो पहले आयरन को। दीदी बात करें जरा आयरन में सुन दीजिए, हमारे हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या है? आयरन है क्या? हमारे आयरन का लिखते हैं तो आयरन का 26 होता है ना, ये बात करते हैं लिखा फर्स्ट टू, ये फोर्स टू, यहाँ पे 36 आता नहीं आता नॉर्मल अपना ये लिखते लिखते कि तो उसके लिखते। अगर ये आयरन होता तो करते ये आयरन तो ये करते, लेकिन क्या आपके पास कंपाउंड में आयरन है बेटा कि फेरिक है? फेरिक है, आयरन प्लस 3 है, क्या है दोस्तों? तो बात कर मुझे आयरन प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन चाहिए। आयरन में जब लिखोगे इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, आयरन में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 आएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे? बाहर वाले सर, तो दो तो दीदी यहां से जाएंगे। अभी एक और चीज, ये यहां से निकाल के तो कितने बचे? 5 बचे कि नहीं? मैडम यहां फोकस करो, ठीक है? दो यहां से निकाल दिए, एक और दीदी निकाले तो यहां से निकलेगा, बचे कितने? 5। मतलब क्या लिखोगे इसका बेटा? बात करें 3v5 लिखोगे? लिखोगे आ रहा है कि नहीं? क्या बुढ़िया बात करें, मुझे 12 इलेक्ट्रॉन भरने, क्या डी में 12 आ जाएंगे? नहीं आएंगे बुढ़े, बात करें आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अगर जी पेयरिंग कर दी आपने, क्या करे दोस्त? पेयरिंग कर दो दीदी, बात करें पेयरिंग कर दे तो बुढ़े बात करें कितने आ सकते हैं? बात करें 5 है बुढ़े, बात करें पेयरिंग करो जरा, पहले अपने लिख के देख लेते हैं। 3d5 भरो जरा, 3d5 क्या भरो बुढ़े बात करें? 1 2 3 4 5 आ रहा दोस्त? क्लियर क्लियर है बेटू? अब बुढ़े बात करें अपने क्या बोला था, अगर हाइब्रिडाइजेशन बेटू बात करें क्या है कंडीशन नंबर 6 है, तो ये तो D2S3 हो गया, S3D2 होगा, अंदर के मुझे दो जी बुढ़े डी। अब बोलो 3 क्यों नहीं उठा रहे? 3 उठा नहीं सकते। अगर बेटा तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो बोलो बात किसको पैर करते? इसको तुम बोलो यहाँ पैर मार दो, इसको उठा के बेटा यहाँ पैर कर दो, खत्म। तब भी बुढ़े बात के दो ही तो खाली हो, इसमें तो एक एक अकेला, तुम इसको किसके साथ पैर करोगे? नहीं कर सकते पैर। और आपको पता है बेटा बात कर, अगर एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो कोई भी लिगेंड बुढ़े बात कर दो इलेक्ट्रॉन लेके आता है, उसको पूरा खाली चाहिए पड़ता है, याद है? आपने क्या बोला था बुढ़े, जैसे यहाँ अमोनिया आया था तो इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उसको खाली ऑर्बिटल चाहिए था, ये तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बुढ़े पेयरिंग करने के बाद भी बुढ़े बात कर आपके पास केवल कितने खाली हुए? 2 ही हुए, क्योंकि इसको किसके साथ पेयर करें भैया? कोई है ही नहीं पेयरिंग करने के लिए, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। अब तुम्हारे पास अंदर के 2D खाली होंगे कि नहीं होगा? अब बुढ़े बात में 2D यूज कर लो, ये यूज कर लो, लेकिन पहले ये सोचो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? नहीं है। आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है? क्या है मैडम? समझ में आ रहा है? कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या करें दीदी? पेयरिंग नहीं करेंगे अपन, इसका मतलब क्या करेंगे दीदी? बात करें 5 के 5 अनपेयर रहेंगे, और यदि अगर अनपेड है तो बुढ़े बात कर पता है कौन ऑक्सफोर्ड दीदी? ये कह रहा है कि मैंने दूंगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि यार? बुढ़े बात कर मुझे तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए दे रहे हैं एक साथ, तो मुझे खाली ऑर्बिटल चाहिए, आ रहा है कि यार? और खाली ऑर्बिटल आपके पास एक भी नहीं है, तो दीदी मजबूर हो गया कि अंदर की डी नहीं उठा सकता, अब मुझे बुढ़े कहाँ के उठाने पड़ेंगे? बाहर के उठाने पड़ेंगे, इतना समझ में आ रहा है कि यार? तो अपन क्या करें बेटा? बात करें बाहर के उठा लो, बुढ़े बात करें उठाओ जरा बाहर के। अब बुढ़े बात करो अब यहाँ के नहीं उठेंगे, क्योंकि आपने देखा बेटा बात करें हमारे पास क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब बात करें कौन है? ऑक्सीडेटिव है, C2O4 है। तो बुरे बात करें क्या करेगा? बुरे बात करें पेयरिंग करेगा? नहीं। बुरे बात करें नो पेयर, बुरे बात करें नॉट पेयर, पेयरिंग नहीं होगी। चलो बुरे बात करें भरना स्टार्ट करो, उसको कहां तक बैठा किसी रुकते थे बैठा बैठा थी खचाएंगे, तो जब ऑक्सीडेटिव बुढ़े वो पैर नहीं कर पाएगा तो क्या बचेगा? तो 3d5 ही रहेगा बेटू, नहीं रहेगा? अरे रहेगा बुढ़िया, 1 2 3 4 5 D5 कौन सा D? 3D5। पर बुढ़े बात कर आप कौन सा आ गया? 4S। कौन सा आ गया? 4D। कौन सा आ गया बेटा? बात कर 4D। अरे नहीं यार, तो बुढ़े बात कर एक उठाओ 4S को, जहाँ बुढ़े बात कर कौन आएगा? एक ऑक्सीडेट आएगा, एक ऑक्सीडेट मतलब बुढ़े बात कर जानते हो कौन सा? O नेगेटिव वाला। और ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगी, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। उसी दीदी बात करें एक ऑक्सीडेट का दूसरा ऑक्सीजन भी तो है, उसे तो समझ में आ रहा था क्या? नेगेटिव आया, ये रोल पे दे रहा था, दे रहा था मेरा, तो इसमें देगा तो पूरे तुम यहाँ पर आ। अब पूरे दूसरा ऑक्सीडेट आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा? ओ नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ये अपना रोल पे देगा इसको दो इलेक्ट्रॉन दिया, ये किसका पार्ट है? एक ऑक्सीडेट का, एक ऑक्सीडेट मतलब ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों,
दो रिपोर्ट दे रहा है कि दे रहा है ये दो रिपोर्ट इसको मिल गए अभी कितने का बताओ दो ऑक्सीजन ने चार ऑर्बिटल भर दिए अभी एक ऑक्सीजन और बचा बचा नहीं बचा दोस्त दो और दो रन कर देगा ये मतलब एक रन कर देगा दो रिपोर्ट देगा मैं पूरा ऑक्सीजन बना के दिखा रहा हूँ आपको नहीं तो वहां तो समझ ही गए थे अरे समझे थे कि नहीं समझे थे नहीं समझे थे बताओ कितने लिटर भर गए पहले बात करते 12 के 12 भर दिया 12 वो 12 भरने के लिए आपने कितने और बटन यूज किए एक तो एस्ट्रा फोरेस यूज किए और बात करते जी पी के भी यूज किए और बड़े बात करें मतलब 4 डी के भी यूज किए दो यूज किए तो अब तो हाइब्रिडेशन क्या बोलो तो जो ऑर्बिटल आपने बेटा इलेक्ट्रॉन भरने में यूज किए वो क्या कहलाएंगे एस पी 3 डी 2 अरे क्या कहलाएंगे एस पी 3 डी 2 अरे क्या पूरे बात का नोट करके लगा दो अगर डी नोट करके अपन लिखते हैं वीडियो बात करें तो हमारा हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है डी2एस के नहीं आया ना ये नहीं आया आया क्या की बात करें एसपी3 डी2 आया क्वेश्चन को समझ में आया हां आ रहा है अब पूरी बात करें क्या आगे बेटा ज्योमेट्री क्या ऑक्टेटली है अगर एसपी3 डी2 है डी2एस पे तो क्या है स्ट्रक्चर अष्टकल किया है अरे देख लो भैया दीदी चार तो आ गई स्क्वायर का एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के कहां गया नीचे ये बॉन्ड देख रहे हैं कि दिख रहा है चार तो दीदी बात कर प्लेन में अगर स्क्वायर अष्टकल देख रहा है एक प्लेन के ऊपर आ रहा है बॉन्ड एक प्लेन के नीचे आ रहा है अष्टफलक की स्ट्रक्चर है डॉक्टर जी बॉन्ड एंगल मैडम 90 अनपर एक तो 0 नहीं भैया 5 तू ने बात करे मैनेजमेंट 5 रखो 5.8 कितने क्या मजाक कर रही हो तुम एक मिनट से बोल रहे हो मेरी बात करे मतलब कलरफुल सर अगले का समय नहीं के बोलेंगे कलर या कलर कलर आ रहा नहीं आ रहा है मैं बात कर रहा हूं पैरा रहा है पैरा रहा है आउटर ऑल कितनी प्यारी आपने की बात कर रहा और एनर्जी आउटर आउटर लेस स्टेबल बहुत अच्छे गुड बात कर रहे अब भी आप लोग कह रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे अभी कुछ आने लगी नहीं आने लगी सर मतलब सर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड निगेट हुआ तो भाई सब क्वेश्चन नहीं है अब गुड बात कर आपका जो दिल करता है देखो तो आप इस प्रश्न नहीं हुआ की बात करें तो भी अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग दोस्त यस बोल रहा हूं इसका नाम क्या लिखा बेटा आपने इसका नाम है सर हेक्सा हेक्सा निकल निकल क्लोराइड हेक्सा एमीन दोस्त निकल 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 की निकल निकल 8 निकल 8 निकल 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 ये सेकंड निकल ऑक्सीजन क्या लिखोगे और लिखा निकल से प्राइमरी बैलेंस की मतलब बोलूं बात करें दादा प्राइमरी बैलेंस की मतलब ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है 2 आ रही है बहुत अच्छी बात सेकेंडरी बैलेंस की मतलब बेटा 6 कंडीशन नंबर पे बात करें कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं बहुत अच्छा लिखा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भी लगा के निकल के बाद आपने देखा बेटा बात करें 28 माइनस बेटा बात करें 2 प्राइमरी बैलेंस की 2 6 इनटू 2 करो अरे क्या 26 38 बात कर पक्का हां सर मतलब इसी नोबल गैस पूरी वाली की कंफ्यूजन को फॉलो नहीं कर रहा प्लस स्टेबल है बेचारा क्या है ठीक है बहुत अच्छी अब की बात कर देखो पोजीशन में तो 6 आ रहा बेटा मतलब ये 6 ऑर्बिटल चाहिए या तो दीदी डीएसपी टू या क्या करूं एसपी टू के लिए बात कर दीजिए इस सब से करते ना निकल है तो क्या है कुल बात 28 आओ कितने अच्छे हैं ये दीदी भरते भरते फॉरेस्ट जब आपने किया तो फॉरेस्ट दीदी भर कर दोगे तो 20 लाख भर गए ना 38 दीदी बात कर फॉरेस्ट अब तो 3D में लास्ट वाली तुम भरोगे देखो जी लिखते हैं गुरु बाहर है लेकिन तुम्हें यहां पे बाहर नहीं लिखना है अगर यहां बाहर लिखोगे तुम गलत कर दोगे समझ में आ रहा है क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन भी इधर से खींचने की कोशिश करोगे हम इसको बाहर रखा करो बेटा और इसके अंदर रखा करो 3D कितना रहा 1 आ रहा निकल का दीदी बात करें चार्ज क्या था प्लस 2 था आपके पास कंपाउंड में निकल था कि निकल प्लस 2 था निकल प्लस 2 मतलब मुझे नहीं निकल से मतलब है कि निकल प्लस 2 निकल मुझे प्लस 2 से मतलब है तो निकल प्लस 2 मीटर बात कर मुझे कैसे मिलेगा जब मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा माइनस 2 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे दोस्त और ये इलेक्ट्रॉन निकल गए बोलो बात कर आ रहे नहीं आ रहे तो मुझे बात करें क्या बचेगा फॉरेस्ट 0 होगा कि नहीं होगा दीदी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन निकल दिए क्या होगा 0 हो गया ठीक है अब अगर देखा जाए बेटू बात करें तो स्टार्ट करो देखो वहीं से
अभी क्या है ये 3D8 था कि नहीं पूरी बात कर रहे थे 3D था तो क्यों आप बोलो कि ऑर्बिटल क्यों नहीं लिख रहे ये तो फुल भरे है ना इनमें तो आप इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते हो तो इनसे हमें क्या मतलब है मुझे उनसे मतलब है पूरे जहां मेरे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जो पूरे खाली है तो बेटा बात कर अपने क्या देखो 1 2 3 4 पूरी बात कर ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 अब पूरे बात करें क्या सोच रहे हो आपके पास जो लिगेंड है वो पूरे कौन सा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्योंकि आपको एनएच3 दे रखा था नहीं दे रखा था पूरी बात करें अमोनिया और अमोनिया क्या करेगा पैर को ब्रेक करेगा नहीं करेगा बिल्कुल करेगा पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरी बात करें पैर नहीं करेगा मतलब करने में सक्षम है ये लेकिन क्या करेगा नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा दीदी बात करें अगर आपको क्या बोला था हाइब्रिड तो दीदी बात करें या तो आएगा D2 मुझे अंदर की दो डी चाहिए एक ही तो लिखेंगे या तो मुझे अंदर की दो डी चाहिए या दीदी बाहर की दो डी अगर मुझे अंदर की दो डी मिल रहा है तो मैं दीदी लेने की कोशिश करूंगा लेकिन मुझे एक मिलेगा मैं नहीं उठाऊंगा इतना समझ में आया जब मुझे दीदी बात कर हाई एनर्जी पे जाना ही है तो फिर मैं क्यों खेलूं एक अंदर एक बाहर नहीं समझ में आया तो या तो दोस्तों केवल अंदर की दो उठा लो अगर दीदी अंदर दो मिल रहा है तो पेयरिंग करो और अंदर की तुम्हें दो डी नहीं मिल रहा है तो पेयरिंग बिल्कुल मत करो समझ में आ रहा है फिर अपनी गुड़िया क्योंकि बेटा पेयरिंग करने भी तो एनर्जी खर्च करनी है नहीं समझी आप दीदी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बेटा बात कर तुम पेयरिंग कर रहे तो गुड़िया एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी खर्च कर रहा है तो क्यों नहीं थे एनर्जी खर्च करें तो अगर गुड़िया बात क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि इसको बेटा पेयर्ड कर दें या आपने पेयर्ड किया तो एक ही तो ऑर्बिटल खाली हो रहा है 3D का तो ऐसा क्यों खेलूं मैं कि एक अंदर कड़ी एक बाहर कड़ी जब मुझे अंदर की रोटी नहीं मिल रहा ना मतलब एनर्जी अपनी खर्च करने की जरूरत नहीं है जितनी एनर्जी तुम यहाँ खर्च करोगे उतनी एनर्जी में तुम बाहर की ऑर्बिटल उठा लेंगे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं इसका मतलब पूरी बात करें अगर जितने मुझे चाहिए उतने नहीं मिल रहे आपको बेटा पेयरिंग के बाद तो उनको मत उठाओ फिर आप इतना समझ में आ रहा है इसका मतलब फिर कहाँ पर उठा रहे बेटा बात करें आपको अच्छा देखो बेचारा और लिगेंड पेयरिंग करने में तो सक्षम था लेकिन फिर भी नहीं कर पाए क्यों पूरी बात करें क्योंकि फायदे नहीं मिल रहा इसलिए वो नहीं कर रहा है समझ में आ रहा है तो फिर बोलो कहाँ का उठाओगी इसको बेटा 8 ही दे दूं सॉरी कितने अच्छे हैं आप तो कोई जरूरत है क्या उसको बनाने की दीदी बात इतना क्वेश्चन करने में आपको दीदी अभी जब मैंने बताया देखो आ तो आपको गया कि नहीं गया इसमें आपको लगा वो दीदी बात के बस मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई और गलती कहाँ हुई आपसे आपको पता ही नहीं था गलती तो आपने कुछ भी नहीं की बस ये पता नहीं था बेटा बात करें कि बोलूँ कि एक अंदर का भी ले सकते बाहर का भी ले सकते आपको याद रखना वैसे तो बोला है अगर कंडीशन पर अच्छा है तो बोलो या तो अंदर की रोटी उठाएंगे या फिर बाहर की रोटी उठा दो ऐसा नहीं करेंगे कि अंदर एक बाहर का रोटी उठाना समझ में आ रहा है क्या बोला दीदी या तो आएगा D2SP3 या फिर SP3DD बाहर वाली सारे आ रहा है नहीं यार इसकी दीदी बात कर याद रखना ही आपको इसी तरीके से उसके पढ़ा तो नाम एक्सा एमी लिटिल सेकंड प्राइमरी बैलेंस इज ब्लू सेकंड सेकेंडरी बैलेंस इज 6 इफेक्टिव एटम नंबर 38 जो कि नॉर्मल गैस को फॉलो नहीं कर रहा मतलब इलाज स्टेबल है उसके बाद में हाई वाइब्रेशन 6 कंडीशन पर 6 था तो यदि बात करें कंडीशन पर 6 था तो या तो एसपी या डीएसपी टू होना था तो बात कैसे डी टू आ गया अपना समझ में तो पूरी बात करिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया क्या हो बेटा बात कर अगर नहीं है पूरी बात कर डी टू जैसे मैंने लिखा मैं समझ गया पूरी बात के कौन सा था आउटर और प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस दीदी बोला है कि जो किसी भी कंपाउंड की जियोमेट्री हाइब्रिडाइजेशन दीदी बात करें बॉन्ड एंगल समझ पाए और पूरी बात को उसका स्ट्रक्चर जो भी बेटा आता है ना ये किसके आधार पर डिसाइड किया आपने
सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हाई वाइब्रेशन दी थी या तो s3 d2 या d2 s3 तो या तो दी ऑक्टेंडल आएगा वर्टिकली इतना आएगा स्ट्रक्चर उसी का आधार पर बनाया था मतलब पूरे बात करें प्राइमरी वैलेंसी का किसी स्ट्रक्चर की दी बात करें ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं है देखो बेटा बात करें देखो ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हाँ कि ना डिपेंड्स ऑन इस डिपेंड या आर डिपेंड ऑन है कि नहीं बेटा बात करें इस डिपेंड ऑन सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल हिंदी में कितनी बात करें किसी भी सेकेंडरी बैलेंस ऑफ सेंट्रल मेटल किसी भी उपसह संयोजी यौगिक की संरचना किसी भी उपसह संयोजी यौगिक की संरचना ज्यामिति ज्यामिति संकरण तथा बंद कोण उसके केंद्रीय धातु उसके केंद्रीय धातु उसके केंद्रीय धातु उसके केंद्रीय धातु के पास उपस्थित द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करता है किसमें निर्भर करता है सेकेंडरी वैलेंस पर निर्भर करता है जरा देखो पूरी बात करें एक बार आपको मुझे कुछ प्रॉब्लम बता देता हूँ चार कंपाउंड बता देता हूँ आप बोलो तो यार हर बता मुझे कोई दिक्कत नहीं वैसे आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हो है कि दोस्त तो पूरे बात कर अपन यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे लिखने बोले बात करनी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है बोले बात करें तो उसका स्ट्रक्चर बना देंगे और यहाँ पूरे बात करें क्या लिखेंगे उसका एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कम से कम पूरी बात करें हाइब्रिडाइजेशन पाने के लिए मुझे कितने ऑर्बिट चाहिए कम से कम दो तो चाहिए इसकी आपने बोला था बेटा बॉन्ड एंगल आने के लिए मुझे कम से कम दो बॉन्ड चाहिए याद है स्टार्ट अगर याद आ रहा थी बात कर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो कम से कम दो सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड से कोई ज्योमेट्री आती का है तो अपन क्या देखें बेटा बात करें एटलीस्ट मुझे दो क्या चाहिए बेटा बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर दो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने चाहिए इसका मतलब दो बॉन्ड बन रहे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जानते हो जहां बेटा बात करें क्या बोलूं जहां सेंट्रल मेटल को बोलूं बात करें दो लिगेंड क्या दे रहे हो दो लिगेंड नॉन पेयर अरे नहीं अरे दो नॉन पेयर क्या दे रहे बोले बात करें दो नॉन पेयर अगर दो नॉन पेयर दे रहे भैया तो कम से कम इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा बात करें 120 डिग्री अरे नहीं अरे एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कितनी होगी दीदी बात करें ऊपर से कितना आ रहा है 180 नीचे से भी क्या आ रहा है 180 कितना समझ में आ रहा है तो चाहे कहीं से भी मेजर कर लो बॉन्ड एंगल कितना आ गया अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो बेटा बात कर बताओ पूरी बात का स्ट्रक्चर कैसा ऐसा आएगा कैसा आ रहा है लीनियर कह रहा दोस्त लीनियर रेखीय कह रहा बेटा बात कर बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है वो बात करें 120 डिग्री ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं और अगर कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है sp कितने समझदार है आप बोलो बात करें 1 सिग्मा बेटा बात करो 2 सिग्मा तो दीदी ये मुझे बताना पड़ेगा क्या अगर लीनियर है तो sp आ रहा है बॉन्ड एंगल बेटा बात कर 180 आ रहा है इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको एग्जांपल बनाओ चलो बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में अभी तो आपको दिया ना सिल्वर बार AgCN का बोले बात करें क्या था होल टॉइस आर एक मिनट बेटा और ये बोले बात करें इसका -2 सिल्वर का +1 होता है तो बोलो बात करें या तो लिख दो सुपर -1 या जिस -1 को बैलेंस लगाना तो लगा दो बोलो बात करें कि हो गया बेटा बात करें AgCN का होल टॉइस आर एक मिनट मतलब ये है दीदी बात करें सिल्वर और ये है दो प्लस साइनाइड इतना समझ में आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ही दिया गया लिंगियर दो कोऑर्डिनेशन का मोड कर रहा है इतना समझ नहीं आ रहा नहीं आ रहा अगर वीडियो कभी उसका वो पूछे स्ट्रक्चर तो बता सकते ना दीदी बात कर लीनियर आ रहा है दो बॉन्ड बन रहा है उनको अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोऑर्डिनेट बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक अगर आप बोलो कि मेरे बात करें 3 तो क्या अगर 3 है दीदी तो भी कौन सी दिक्कत है लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्या वैसे 3 वाला दीदी क्यों लिखवा रहा हूं है तो है मैं आपको लिख देता हूं मैं मिटा दूंगा समझ में आ रही है आपके कहने पर दीदी मैं लिख देता हूं चलो 3 है मुझे बात करें एक एग्जांपल मुझे बात करो उठा लो जैसे आप उठा बेटा बात करें CuNH3 का बुरे बात करें होल थ्राइस आ रहा दोस्त नहीं आ रहा और बुरे बात करें क्या कर दिया CL3 क्लियर इसका मतलब बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर कितना इसका 40+3 आ रहा है
अगर उसके स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या है प्रॉपर मुझे बात करें कितने यहाँ पे तीन अमोनिया थे एक कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट बन के मुझे बात करें अरे बना कि नहीं बना कैसा बन गया बोलो बात करें ट्राइगोनल अरे नहीं यार दीदी बात करें फिर कौन सी संतरी क्या बन गया बॉन्ड एंगल कितना आएगा 120 हाइब्रिडेशन कितना आएगा sp3 sp2 1 2 3 sp2 आएगा क्लियर है मुझे बात करें हो गया लेकिन ये नहीं आता आपके इस कॉन्डिशन केमिस्ट्री में नहीं आता मतलब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं ना बेटा कि नहीं पढ़ा चुका हूं आप पूरी बात करें क्यों पढ़ रहे हो इसको हटा दीजिए फोर पर आते सीधे किस पर आते दोस्त फोर पर आते ठीक है जो भी बात करें यहां पर चलो अपन क्या करें पूरी बात करें फोर हमारे पास अगर फोर है पूरी बात करें तो उठा लेना कोई भी जैसे हमने कॉपर का उठाया था कॉपर Cu NH3 का पूरी बात करके बना लिया और मेरी बात को पीछे लगा दिया Cl इसका मतलब कॉपर के चार्ज यहां पे क्या रहेगा प्लस टू रहेगा ये जीरो है ये माइनस टू है ये कितना रहेगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे मजाक नहीं आ रहा आ रहे होंगे दीदी बात लोग से बोलते कि बताओ इसको ऑक्सीजन पूछो वो तो पसीने छोड़ देते हैं काय का पसीना दीदी बात पे समझ में आ रही है पूरी बात की कंडीशन तो आपसे पूरी बात कोई पूछे हमारे पास कंडीशन नंबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है दीदी बात स्ट्रक्चर कैसा आएगा स्ट्रक्चर की बात करिए या कोई ट्रायंगल या दीदी स्क्वायर ट्रायंगल लेकिन मैं यहां बता देता हूं आपको पूरी बात करें कॉपर का अगर आप देखो तो 29 होता है एटम नंबर 29 की बात करें क्या है देखा आपने 3d की बात करें 10 है 4s पर है पहले आपको पता है कॉपर प्लस 2 में मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s का बन गया 3d का हम पूरी बात करें बन गया तो 39 आ गया अब 39 की बात करें अगर आपको अंदर का एक d उठाना है d तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो उठा नहीं सकते आप उठा सकते क्या नहीं उठा सकते इसका मतलब पूरी बात करें क्या करें बाहर की जाओ तो फिर क्या आएगा sp3 आएगा क्या आएगा बेटा sp3 पूरी बात का स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं कैसा बनेगा कॉपर ठीक है अमोनिया और कितना है पूरे बात को मतलब कोई भी उठा सकते हो इसकी जगह मैं सीधा लिख देता हूं मेटल लिगेंड 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 और लिगेंड इतना समझ आ रही है नहीं अब इसकी जगह दीदी बात क्या रख दोगे कॉपर यहां पे क्या रख दोगे अमोनिया 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 इतना समझ आ रहा है तो कोई भी स्ट्रक्चर दीदी अरेंज कर देना स्ट्रक्चर कैसा है बेटू बताओ जरा और बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है पूरे बात करें ये बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है जानना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट आ रहे कि नहीं आ रहे कैसा स्ट्रक्चर की बात करें टेट्राहेड्रल आ रहे कि नहीं बेटा हाइब्रिडेशन ग्रुप क्या बोलोगे sp3 क्लियर है sp3 कौन है ये sp3 शुरू में भाई जाते हो तेरे दोस्त चलिए बात करते हैं अगर यदि बात करें 5 होगा तो पूरी बात करें 5 ऊपर क्या पढ़ाया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पर मैंने नहीं उठाया है अच्छा आप उनको उठा दूंगा यदि बात करें अगर हम उनकी बात करें 5 बार उठाना चाहें पूरी बात करें 5 एक एग्जांपल उठा लीजिए बेटू बात करें ठीक है जैसे आप उठाए पूरी बात करें FeCO का पूरी बात करें बोल अरे कोई बताओ पूरी बात करें कार्बन कंपाउंड का चार्ज क्या होता है जीरो होता है नहीं समझे तो आयरन का भी चार्ज क्या है जीरो ही क्योंकि मैंने ऊपर कोई चार्ज लगा के आपको दिया ही नहीं तो आप जीरो ही समझोगे अरे समझोगे नहीं समझोगे सीधे सी बात है दीदी बात करें अच्छा अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो कैसे करोगे बेटा बात करें पांच पूरे बात करें लिगेंड पांच कोऑर्डिनेट बनाएंगे मतलब सेंट्रल मेट अगर होगा बेटा बात करें तो पूरे बात करें पांच कैसे बनते थे याद आ रहा कुछ दीदी बात करें ट्राइगोनल पूरी बात करें भाई अपना एक लिगेंड दो लिगेंड तीसरा लिगेंड अगर इनको बेटा लिगेंड लिगेंड को बोलो तुम जोड़ो तो क्या आ जाएगा आपके पास ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आएगा क्या अरे आएगा और एक पूरी बात करें कहां से ले आओ ऊपर से ले आओ बेटा और एक कहां से ले आओ नीचे से ले आओ इतना समझ में आ रहा है मतलब क्या बनके पूरी बात का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहा क्या बोलना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है क्लियर पूरी बात कर हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे सिक्स था दोस्त अरे क्या तो क्या देखा था प्लस टू क्लियर है क्या तो आपने पूरी बात करें क्या निकाला था sp3 d2 इसके पहले मैंने d2 वाला बताया था किस में आयरन में ठीक है मुझे बात करें बहुत अच्छी तो अगर इसका दीदी देखो आप तो आप क्या लिखोगे ऐसे स्ट्रिक्स नहीं आएगा मेरी बात करें मेटल मुझे बात करें 6 लिगेंड है तो एक लिगेंड आ रहा है दूसरा भी लिगेंड आ रहा है तीसरा दीदी बात करें लिगेंड आ रहा है चौथा लिगेंड आ रहा है ये चारों की चारों कहां पर है स्क्वायर की दीदी बात करें कॉर्नर पर है अरे नहीं आ रहा स्क्वायर के कहां पे अरेंज है
स्क्वायर की कॉर्नर पर है, एक बिटू बात करे कहां है बताओ, हां ऊपर प्लेन के ऊपर से कहां है बिटू बात करे, प्लेन के नीचे से टोटल स्ट्रक्चर क्या हो गया पिरामिड की बात करें, ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्या हो गया पिरामिड, कितने अच्छे हैं ऑक्टा बिटू बात करें हेड्रल, अष्टफलकी हो गया, क्या हो बिटू बात करें अष्टफलकी हो गया, प्लीज याद रखना हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे sp1t2e3d1d2, तो क्या बोलोगे sp2d2 आएगा, आएगा नहीं आएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे sp3d2, और ये बात करेंगे ये आ गया तो बॉन्ड एंगल क्या बोलेंगे हम 90 डिग्री, प्लेन के ऊपर वाले भी 90 को बनाते हैं, और आपको पता है एक प्लेन में अगर हम चार बना दें याद है बोलो चार पार्ट बनते हैं तो 90 90 होता ही है, हां इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया, मतलब आपने ये देखा कि गुरु बात करें किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर की बात करें हाइब्रिडाइजेशन कौन डिसाइड कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिसाइड कर रहा है, इसी की बात करें प्राइमरी वैलेंस का क्या लेना देना कोई यूज किया क्या आपने ना, वर्नर ने क्या बोला था किसी भी सिंपल मेटल की जो गुरु बात करें हमारे पास वैलेंस होती है वो दो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, पर गुरु बात करें उस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन समझ पा रहे सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर ये बात कर रहा है सेकेंडरी बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट करो जरा इसको बेटा बात करो स्क्वायर प्लेन और डीएस